भाभियों को पाप से ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्ने च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम मञ्जनीजायाय विद्महे पवनपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। ओम कालराजाय विद्महे देवीपुत्राय धीमहि तन्नो भैरव प्रचोदयात्। ओम नंदनंदनाय विद्महे देवकी नंदनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्ण प्रचोदयात्। ओम पंचम वेदाय विद्महे ज्ञान गंगा धीमहि तरणो श्रीमद्भागवत प्रचोदया नाना जगन्द विजवाणी यदा कालोद्भवानि जा पुष्पाञ्जलिरमया दत्तं गृहाणां परमेश्वरः सांगाय सपरिवाराय सहमानाय अग्निकोटि ब्रह्माण्डनायकः भगवती पराम्बारिकदम्बारिभ्ये नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमो नमः। चरणारविन्दे वैदोक्तमन्त्र विजवाञ्जलिं समर्पयामि। सभी अपने अपनी जगह पर एक परिक्रमा कर लेंगे। ओम सप्ताशासन वरिदाय त्रिहि सप्तसमिदाः कृताः देवाय दक्षिणन्दनपाना अवधान परोगम पशुमः बोली गुजान गणपति महाराज की जय हो। महंकाल सरकार की जय हो। बम्बे जना सरकार की जय हो। कायावर्णेश्वर महादेव की जय हो। धर्मराजेश्वर भगवान की जय। व्यास जी महाराज की जय। सुत जी महाराज की जय। आज के आनंद की जय। बस्ती नगर की जय। बागेश्वर धाम की जय। बालाजी महाराज की जय। सन्यासी बाबा की जय। पूज्य गुरु दादा की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गो माता की जय हो। तुलसी माता की जय हो। भागवत मैया की जय हो। वेद माता गायत्री की जय हो। सरस्वती मैया की जय हो। शिव नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। परमेश्वर श्री गुरु मणि तुम देखो वेद पुराण कहे के गुरु कर है भगवान। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगा देना गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। Hey, hey, hey.
चिक हरिओम ओम ओम राधे हरिओम 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 श्री राधे राधे श्री गणेशाय नमः श्री गुरुदेवाय चरण कमलेभ्यो नमः श्री निंबारकाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः श्री हरिदास चरण कमलेभ्यो नमः श्री राधावल्लभाय चरण कमलेभ्यो नमः श्री मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तरणो दंती प्रचोदया शिव समान दाता नहीं और विपत्ति निवारण हार लजिया मोरी राखियो हे मेरे काशी के विश्वनाथ या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु हे दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् पारब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः अखंड मंडलाकारं व्याप्तियेन चराचरम् तदपदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः दीवाने आपके चरणों में सर झुकाते हैं और आपके रूप में गुरुवर हमें हनुमान नजर आते हैं जय जय श्री राधा रमण और जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु हे मोरे जय जय माखन चोर नारायण नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमा देवी सरस्वती व्यास तदो जय मुदीरे राधा साध्यम साधनम श्राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वम राधा जीवनम श्राधा राधा राधा वाचकम तस्य शेष राधे मोरी स्वामिनी और मेरा धे जी को दास जन्म 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 मोहे दीजियो हे मां श्री चरणन को वास वृषभानु की राधिका और नंदगांव के श्याम इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम सब द्वारन को छोड़ के हे मोरी माई में आयो तेरे द्वार हे वृषभानु की लाडली मनिक मोरी ओर निहार
हनुमान पहलवान वर्ष बारह का जवान हाथ में लड्डू मुख में पान हे आवो आवो वीर हनुमान। सर्वप्रथम श्री गजानन गणपति महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम। आप रिद्धि मैया और सिद्धि मैया के संग आसन पर विराजमान हो, राजाधिराज महाकाल रुद्र कलश के रूप में विराजमान हो, षोडश मातृका जगदम्बा महारानी आप अपने आसन को ग्रहण करें, नवग्रह देवता षोडश मातृका ग्राम देवता स्थान देवता वास्तु देवता पितृ देवता इष्ट देवता आराध्य देवता आप सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करें, मेरे परम पूज्य गुरुदेव परम पूज्य पिताश्री आप अपने व्यासपीठ को ग्रहण करें, कथा पंडाल में विराजित समस्त सनातन धर्म प्रेमी सज्जन आप सभी भक्तों के हृदय में विराजमान अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय दीन दयाल भगवान के वांगमय स्वरूप को कोटि कोटि प्रणाम एवं आप सभी को प्रेम भरा राधे राधे। एक बार दोनों हाथ उठा के प्रेम से बोलेंगे, जोर से बोलेंगे और जोर से। बड़े ही सौभाग्य की बात, श्रीमद् भागवत महापुराण का आज का ये तृतीय दिवस तीसरे चरण में आप और हम सब यात्रा को प्रारंभ कर रहे हैं। कहते हैं सूत जी महाराज ने 88,000 ऋषियों को जो कथा सुनाई वो कथा नेमिषारण्य तीर्थ से प्रारंभ हुई। बोलिए सूत जी महाराज की। नेमिषारण्य के बाद कहते हैं कि पांडवों का पुत्र परीक्षित जंगलों में जाता है, वन पशुओं को मारता है, गुरु के आश्रम पर पहुंचता है, गुरुजी से जल मांगता है, जल न देने पर गुरु के गले में सर्प पहनाता है, श्राप लगता है। इतलंगित मर्यादा सप्तम तपस्मे हरि, जिसने ब्राह्मण मर्यादा का उल्लंघन किया है आज से सातवें दिन तक्षक उसे दंस देगा। कहते हैं अंधतो गतवान रूपेण, जब परीक्षित को श्राप लगा तो श्राप लगने पर परीक्षित ने सोचा अब क्या करना चाहिए। तब परीक्षित पुत्र जन्मे जय को राजा बनाता है और जन्मे जय को राजा बना करके आज खुद जंगलों की तरफ चल पड़े। और जब जंगलों की तरफ चल पड़े जन्मे जय को राज्य सौंपा। इस संसार में जो भी राज्य है जो भी शासन है उस राज्य को छोड़ करके एक दिन तो जाना ही है। कहते हैं मुक्ति मरने के बाद नहीं होती, मुक्ति मरने के बाद नहीं होती, मरने के बाद तो होती है नुगदी। क्या होती है? नुगदी। मुक्ति मुक्ति मरने के बाद नहीं होती। बोले मुक्ति कब होती है? बोले जीते जी ही होती है। तो अगर चाहते हो कि जीते जी मुक्ति हो तो करना क्या चाहिए? मरने के बाद मुक्ति, अरे सब लोग बताते हैं, पर जीते जी मुक्त होना अरे संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना अरे संतों से सीख जाए। मरने के बाद कोई मुक्ति नहीं होती, मरने के बाद होती है नुगदी। तो निवेदन, इस भरोसे मत रहो कि मर करके मुक्त होंगे। बोले नहीं, जीते जी ही व्यक्ति मुक्त हो सकता है। जीते जी कैसे? माया में रहो पर माया से प्रेम मत रखो, घर में रहो पर घर में अधिक प्रेम मत रखो। रहो रहना तो पड़ेगा, जंगलों में जाने से भगवान नहीं मिलेगा, तपस्वी बनने से भी भगवान नहीं मिलेगा। देखो अगर जंगलों में जाने से भगवान मिलता तो सबसे पहले भगवान इन जानवरों को मिल जाता जो जंगलों में रह रहे हैं। अगर भगवान जल में समाधि लेने से मिलता तो मछलियों को मगरमच्छ को डिंडों को इनको मिल जाता, इनको भी नहीं मिला। अगर भस्मी रमाने से भगवान मिलता है तो सबसे बढ़िया भस्मी रमाता है गधा कुत्ता, इनको भगवान मिल जाता। बोले नहीं। बोले व्रत रहने से भगवान मिल जाता। बोले अगर व्रत रहने से भगवान मिलता तो चातक धरती का पानी तक नहीं पीता, पपीहा बेटा सुरसरी
लगा बदिग का बाण, मुख मुंदे और नयन गगन में निकल गए यूं प्राण। क्योंकि उसका नियम है कि वो पृथ्वी से स्पर्श हुआ जल पीता नहीं, प्यासा ही मर गया पर नियम नहीं तोड़ा। कहते हैं अगर व्रत रहने से भगवान मिले तो चातक से मिल जाए। बोले भगवान किसे मिलते हैं? बोले भगवान न जंगल में जाने से मिलते हैं, न भस्मी रमाने से मिलते हैं, न जटा बढ़ाने से मिलते हैं, न जंगलों में जाने से मिलते हैं, न वनवासी पर मिलते हैं। बोले भगवान किसे मिलते हैं? परिचय सुनिए। ना हम वासा मी वे घुंटे योगी नाम हृदय, जो बड़े बड़े योगी मनुष्य मेरी साधना करते हैं मैं उनके पास भी नहीं रहता। ना हम वासा में वैकुंठ, ना वैकुंठ में रहता हूं, ना योगियों के हृदय में रहता हूं। मेरा भक्त जहां बैठ नाम ले लेता है मैं वहीं प्रकट हो जाता हूं। तो इस कथा पांडाल में भगवान है कि नहीं है जी? कथा पांडाल में भगवान है कि नहीं है? अगर है तो आइए, सरकार से मिले हैं तो सरकार से दो बातें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जरूर करना चाहिए। सपना में सखी श्याम मिलो मैं कर ना सकी दो बात, सपना में सखी श्याम मिलो हे मैं कर ना सकी दो बात, आंख खोली सपनों गयो हो मैं तो मलती रे गई हाथ। सांवरा सपने में मिला तो, सपने में मिला तो दो बातें सांवरे से कर लो, ये सपना पूरा होगा। और वो सपना कोई और नहीं है, ये भागवत कथा ही वो सपना, ये सपना है। और इस सपने में सांवरा मिल रहा है तो दो बातें सांवरे से कर लो, पता नहीं कब आंख खुल जाए और ये सपना टूट जाए। तो आइए आनंद के साथ सभी सने वतन अपने अपने हाथ जोड़े बड़े भाव के साथ मेरे साथ आप सभी बोले, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आवाज दूर दूर तक जाना चाहिए जोर से, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गोवध बंद हो, गौ माता की विश्व में शांति हो, विश्व में ओम शांति शांति सुशांति। श्रीमद् भागवत कथा वार्ता, वेद व्यास जी का जन्म, सुखदेव जी महाराज का जन्म। कहते हैं आज ती बजाने से, राधे राधे नाम गाने से, जय घोष करने से, पाप पाखंड आश्चर्य और लोभ मोह मत्सर और निद्रा दूर दूर तक भाग जाती है। एक बार दोनों हाथ उठा के प्रेम से क्या बोलेंगे? नारी निद्रा नागणी तन तीन ढोर से खाए, धन हरे जो बन हरे ओ धन मर्या नरक ले जाए। नारी निंदा मत करो या तो नर की खान, नारी से ही जन्मे ओ यहां ध्रुव प्रहलाद समान। जगदम्बा के रूप में जो नारी है वो नारी ही ध्रुव प्रहलाद को जन्म देने वाली। आज मां पार्वती को नींद आई, नींद आने के पीछे कारण, बोले कारण सिर्फ इतना, पूर्व जन्म के कर्म से और कथा नहीं सुहाए,
के सोवे के लड़ भिड़े या अपने घर को जाए। पुराने जन्म के अगर कोई भी कर्म खराब हो तो भगवान की कथा अच्छी लगती नहीं। अच्छी क्या लगती है? बोले दुनिया की बातें। कथा में अगर चार की साढ़े चार जो बज जाए तो इशारा कर दे के साढ़े चार बज गई है, आरती कर लो। हाँ, बाकी अगर किसी की बुराइयां चल रही हो ने मीटर अपने को पसंद हो कि हाँ अपने दुश्मन की बुराई चल रही है तो फिर तो बोले सुबह हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। ऐसा हुआ? बोले हाँ हुआ। बोले वहां बड़ा आनंद आता। देखो आज के समय का इंसान तीर्थ यात्रा करने जाता है, जब तीर्थ यात्रा करने जाता है तो उस तीर्थ की बात करना चाहिए कि अड़ोसी पड़ोसी की बात करना चाहिए? तीर्थ की बात करना चाहिए। पर कहीं भी जाए, चाहे सांवरिया जी भी जाए, तो रास्ते में जाते जाते बात सांवरे की और मीराबाई की नहीं करेंगे। किसकी करेंगे? राजनीति की करेंगे। ये राजनीति दो कोड़ी की है, अध्यात्म करोड़ों का है। तो किसी की भी बुराई, किसी भी राजनीति की चर्चा, अड़ोसी पड़ोसी की बात, इन सब को छोड़ के इंसान को चाहिए कि जहां जा रहा है उन्हीं का नाम ले। तो निवेदन, यहां बातें करने में मजा आता है, कथा सुनने में थोड़ा कम आनंद आता है। आज पार्वती मैया को नींद आई, बोले पूर्व जन्म के कर्म से कथा नहीं सुहाए, पुराने जन्म के कर्म खराब हो तो कथा अच्छी नहीं लगती, कथा में नींद आती। तो क्या पार्वती के जीवन में भी कोई अपराध है? बोले हे। बोले क्या है? सुन। एक बार त्रेता युग माई, एक बार त्रेता युग माई, एक बार त्रेता युग माई, शंभु गए को मज ऋषि पाई, शंभु गए को मज ऋषि पाई, श्री राम जय बोलिए भक्तों और भगवान की जय। एक बार त्रेता युग माही, अरे शंभु गए कुंभज ऋषि पाई, बाद त्रेता युग की कुंभज ऋषि कर रहे भगवान की कथा। आज भोलेनाथ को पता चला कि कुंभज ऋषि कथा कर रहे, तो कथा सुनने के लिए भोलेनाथ चल पड़े। अकेले नहीं गए, संग में जग जननी भवानी भी गई। जैसे ही भोलेनाथ और माँ पार्वती पहुंचे, भोलेनाथ के आने पर स्वागत किया कि हे महादेव आपका स्वागत है। कली कुलशेखर तुलसीदास जी महाराज ने चौपाई लिखी, शंभु गए कुंभज ऋषि पाए। भोलेनाथ का नाम लिया ढाई अक्षर का शंभु। संग में माँ सती थी, माँ सती का नाम लंबा चौड़ा लिया, संग सती जग जननी भवानी, सती साध्वी भवप्रता भवानी भवमोचनी आर्य दुर्गा जया जगा त्रिनेत्री शूलधारिणी पिनाक धारिणी चंद्र घंटा बुद्धि महंकार चित्रूपा चिता चिति अनेक शिष्य धारिणी कुमारी चेक कन्या चकेशोरी युवती यति प्रोड़ा चे प्रोड़ा चुद्ध माता ये बलप्रदा महोदरी मुक्त केशी घोर रूप महाबला अग्नि ज्वाला रुद्रमुखी कारा तिस्तंभ नहीं नारायणी भद्रकाली विष्णु माया जलोदरी शिवदूती कराली चरंता परमेश्वरी कात्यायनी चावित्य शर्मा वादिनी अनेक शिष्य अनेक शिष्य धारणी। आज वो माँ जगदम्बा के अनेक नाम लिए। कहते हैं कि भोलेनाथ ने तो कथा सुनी पर माँ सती ने कथा को नहीं सुनी।
आसमान में उड़ने वाले पक्षियों को सती माँ गिनने लगी, एक गया, दो गया, तीन गया, चार गया, पांच गया। जब कथा सुनी नहीं तो कहते हैं कथा को न सुनने पर कथा में दोष लगता। आज माँ सती के जीवन में और कोई अपराध नहीं था, बस इतनी सी गलती थी कि कथा में गए पर कथा नहीं सुनी। कहीं ये गलती अपन भी तो नहीं करते हैं? होती है, पर यहां जितने बैठे हैं ये तो ऐसी गलती करते ही नहीं। कहते हैं आए थे हरि भजन को और लूटने लगे कपास। अगर बातें ही करनी है तो घर पे करनी चाहिए, बातें ही करनी है तो घर पे करना चाहिए, पर अगर जो भी काम करने गए हो उस काम को 100% करके देना चाहिए। आप कथा सुनो तो अच्छी सुनो वरना मत सुनो। आप भोजन करो तो अच्छा जीमो भले कम जीमो। कहते हैं जीवन में जो भी काम करो कैसा करो बोले श्रेष्ठ करो। आप दर्जी भी हो तो आपके जैसा दर्जी पूरे क्षेत्र में होना नहीं चाहिए। आप ब्राह्मण भी हो तो ऐसे ब्राह्मण बनो कि आपके पांडित्य की चर्चा, आपके ब्राह्मणत्व की चर्चा, आपके पंचांग की चर्चा दूर दूर तक हो। आप किसान हो तो ऐसी खेती करो कि लोग जानकारी पूछना है कि भाई साहब खेती कैसे करना चाहिए। आप जो भी हो जिस विभाग में हो अपने काम को इतना जोरदार करो कि आपकी तारीफ दूर दूर तक हो। पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम दर्जी हो, कोई और भी दर्जी है और उसका नाम आगे बढ़ने लगे तो तुम उसका मर्डर कर दो। हाँ, मर्डर करके नहीं बोले, काम करके नाम को बढ़ाया जाए, किसी को मार के नहीं। आज कहते हैं कि माँ सती कथा सुनने पहुंचे पर कथा सुनी नहीं, इसलिए वही सती मैया अगले जन्म में पार्वती बने, और जब पार्वती बने तो माँ पार्वती को आई नींद। कहते हैं कि जब माँ पार्वती को नींद आई, भोलेनाथ ने पूछा कि देवी आप कथा नहीं सुन रहे थे तो फिर कथा कौन सुन रहा? बोले नहीं, मैं तो जाग रही थी। बोले नहीं, मैंने देखा कि आपकी आंखें बंद थी। तब कैलाश पर्वत पर देखा कि वो सड़े हुए अंडे की आकृति में एक तोता बैठा। उस तोते से कहा कि हे तोते, तूने चुपके से कथा सुनी है, मैं तुझे मार दूंगा। कहते जो चुपके से कथा सुनता है महादेव उसे मार देते। तोता आगे आगे दौड़ने लगा, भोलेनाथ पीछे पीछे दौड़ने लगा। कई लोग कहते हैं बोले गुरुजी कथा पांडाल से भी जोरदार आवाज यहाँ चिल्मों में आ रही है, बंगलों में, इसलिए हम हमारे घर पे खाट पे सोए सोए सुनते हैं, गाय भैंसों को चराते चराते सुनते हैं, खेत पे बैठे बैठे सुनते हैं। देखो भोलेनाथ उस तोते को मारने के लिए क्यों गए? क्या गलती करी उसने? और कुछ नहीं किया, उसने चुपके से कथा को सुना। अर्थात भगवान की कथा चुपके से नहीं सुनना चाहिए, बोले वक्ता के सामने बैठ कर सुनना चाहिए। दूसरी बात, पांडाल के पीछे बैठ के नहीं सुनी जाती, पांडाल के मध्य में बैठ करके सुनी जाती है। ये कथा पांडाल क्या है? बोले कथा पांडाल है नेटवर्क क्षेत्र। आपके पास कितना ही अच्छा मोबाइल हो पर अगर मोबाइल में टावर नहीं हो तो फोन लगे नहीं लगे। उसी प्रकार ये टावर है, ये नेटवर्क क्षेत्र है। अगर नेटवर्क क्षेत्र में कथा सुनी जाए तो उसका हजारों गुना पुण्य प्राप्त होता। कहते हैं कि जो काम घर पर बैठ के किया जाता है उसका फल मिलता है 1 गुना, जो काम मंदिर पर बैठ कर किया जाता है उसका फल मिलता है 10 गुना, जो काम तीर्थ में बैठ करके किया जाता है उस कर्म का फल मिलता है 100 गुना, और जो कर्म कथा पांडाल में बैठ कर आसन लगा करके किया जाता है उसका पुण्य मिलता है 1000 गुना। तो आप और हम सब भगवान के नेटवर्क क्षेत्र में है, उसके दरबार में है। तो आइए राधा रानी का नाम 2 मिनट गुनगुनाते हुए, भगवान की कथा हमेशा सामने से ही सुनना चाहिए, चुपके से कभी नहीं सुनना। अगर कोई अभी भी भोंगलों में चुपके से सुन रहे हो तो जहां जहां तक मेरी आवाज जा रही कृपा करके कथा पांडाल में आ जाओ, नहीं तो फिर भोलेनाथ त्रिशूल लेके आएंगे। फिर आओ तो क्या मतलब, पहले से आ जाओ तो और बढ़िया। अरे नाम मेरी राधा रानी का, अरे जिस जिसने गाया है, अरे बांके बिहारी ने उसे अपना बनाया है, बांके बिहारी ने उसे अपना बनाया है।
जिस जिसने गाया है। और बाग बियारी ने उसे अपना बनाया मेरी राधा रानी का जिस जिसने गाया है। मेरी राधा खास खास में ऐसा जुर्म करूं मुझे सजा मिले हर जाने में, खास में ऐसा जुर्म करूं मुझे सजा मिले हर जाने में, मेरा ये जीवन बीते वृंदावन में और मौत मिले बरसाने में। अरे जय राधे जय राधे जय श्री कृष्णा बोलो जय राधे जय राधे। वृंदावन में जब जाओ तो वहां टेम्पो वाला हार ना बजाए ना बजाए वो ये जरूर कहता है राधे राधे। राधा राधा नाम वाली जिसने फेरी ये माला है, राधा राधा नाम वाली जिसने फेरी माला है, उस पर रीझ गया मेरा मुरली वाला है, उस पर रीझ गया मेरा मुरली Thank you.
हुआ पागल जमाना है, राधा राधा नाम का तो हुआ पागल जमाना है, प्यारा तीन लोगों से श्री जी का बरसाना है। अरे राधा राधा नाम का तो अरे हुआ पागल जमाना है, ओ देखो तीन लोगों से ओ प्यारा श्री जी का बरसाना है। नाम मेरी राधा रानी का अरे जिस जिसने गाया है, अरे बांके बिहारी ने उसे अपना बनाया है, उसे अपना बनाया है। अगर राधा रानी का नाम लोगे तो मुरली वाला भी मिल जाएगा, मोरपंख भी वाला भी मिल जाएगा, बरसाना भी मिल जाएगा, क्योंकि पिताजी से मांगो तो समय लगता पर मां से मांगने में कोई समय नहीं लगता। ऐसी दयालु ऐसी करुणामयी सरकार के चरणों में बारंबार प्रणाम। आप सभी को पुनः प्रेम भरा राधे राधे, जोर से और जोर से और जोर से। देखो जितनी जोर से बोल रहे हो क्या 100% आवाज पूरी है? 100% नहीं। अपने घर पे बड़े जोर से बोलते, अपने कुएं पे बड़े जोर से बोलते, जब कोई जाता हो रोड पे और उसे पुकारते हैं तो उसे बड़ी जोर से बोलते हैं, पर यहां धीरे धीरे बोल रहे। एक बार पूरी ताकत के साथ की आवाज बरसाने चली जाए, ये बात। एक बार अपने आप के लिए ताली बजाइए। आज कहते हैं कि सुखदेव जी महाराज आगे आगे, भोलेनाथ पीछे पीछे। हमारे भोलेनाथ बड़े दयालु है, दूध चढ़ाने वाले पे खुश हो नहीं हो, दतुरा चढ़ाने वाले पे खुश हो ना हो, बिल पत्र चढ़ाने वाले पे खुश हो ना हो, एक चोर गया चोरी करने, चुरानी थी घंटी, भोलेनाथ के माथे पर पैर रख करके घंटी उतारने लगा। भोलेनाथ प्रकट हो गए, कहने लगे बोल बच्चा क्या चाहिए? बच्चा कहने लगा बोले भगवान घंटी चाहिए। बोले घंटी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए? बोले हाँ प्रभु यही चाहिए। पुजारी जी बगल में खड़े बोले प्रभु हमसे तो कभी खुश नहीं हुए, इसे तो दर्शन भी दे दी। भगवान कहने लगे कि पुजारी जी लोग जल चढ़ाते हैं, दतुरा चढ़ाते हैं, भांग चढ़ाते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, फल चढ़ाते हैं, नारियल चढ़ाते हैं, ये तो बेचारा पूरा का पूरा चढ़ गया, और जो पूरा पूरा चढ़ जाए भगवान उससे बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। देखो कहने का मतलब ये है कि जितनी भी चीजें हम चढ़ा रहे हैं ये किसकी है? उन्हीं की, और उन्हीं को उनको क्या अर्पण करना। कहते हैं कि पिंड दान, मरने के बाद पिंड दान करने से व्यक्ति की सदगति हो जाती है। पिंड काई का जौ के आटे का, बोले जौ के आटे की जगह अपना शरीर ही भगवान को चढ़ा दिया जाए, खुद ही भगवान को अर्पण हो जाया जाए तो भगवान फिर बड़ी कृपा करते हैं। इसलिए भगवान के ही बन जाओ और अपने आप को ही भगवान को चढ़ा दो कि हे नाथ मैं तेरा और तू मेरा। इसका मतलब ये नहीं कि रावण अपनी गर्दन काट काट के महादेव को चढ़ाता था, दशानंद कहलाया, वही रावण दलावदा वालों ने गांव के बाहर खड़ा कर दिया। कल जब मैं आया तो मैंने काफी देर तक देखा कि ये कौन से देवता है, ऊपर देखा तो कुर्ता, नीचे देखा तो पजामा, हाथ में उनके भाला। फिर 2-3 मिनट तक देखने के बाद मालूम पड़ा कि रावण है रावण। हाँ तो एक बार उस रावण के लिए ताली बजा दीजिए। बड़ा ही प्यारा रावण बिठाया, गांव में प्रवेश करते ही दर्शन हो जाते, आते जाते दर्शन हो जाते। वैसे ज्ञानी भी हुए लाखों, विद्वान हुए लाखों, पर रावण के जैसा विद्वान नहीं होगा। एक बार उस विद्वान के लिए ताली बजाई। दुश्मनी भी करी तो खानदानी राम से करी। रावण को मालूम था अगर राम के जीवन में रावण नहीं हो तो रामायण लंबी होती,
नहीं होती। जो रामायण 24 घंटे में पूरी होती है वो 4 घंटे में पूरी हो जाती है। पर धन्य है रावण जिसने रामायण को 24 घंटे की करी, मां राम जी से दुश्मनी करी, इसलिए लोग आज भी कहते हैं कि हे प्रभु मुझे दुश्मन भी खानदानी चाहिए। भगवान से या तो दोस्ती कर लो या दुश्मनी करनी है तो दुश्मनी कर लो, पर कुछ भी करो पर रिश्ता भगवान के साथ ही होना चाहिए। आज कहते हैं कि सुख आगे आगे भोलेनाथ, पीछे पीछे भोलेनाथ। कहते हैं कि मार दूंगा मार दूंगा मार दूंगा मार दूंगा। जो भोलेनाथ ने कथा सुनाई उस कथा का नाम है अमर कथा। जो अमर कथा सुन ले वो मरेगा नहीं मरेगा, पर भोलेनाथ को इसीलिए तो भोले कहते हैं, बड़े भोले। राक्षसों को क्या क्या वरदान नहीं दे देते, खुद तो राख लपेटे फिरते औरों को देते धन दान। खुद तो राख लपेटे फिरते हैं और लोगों को धन धान्य दे देते हैं। खुद पहाड़ों पर वास करते हैं, रावण जैसे ब्राह्मण को सोने की लंका दान कर देते हैं। आज कहते हैं कि सुख आगे आगे भोलेनाथ पीछे पीछे। वेद व्यास जी महाराज की पत्नी विटिका महारानी बालों को सुखा रही थी, उबासी आई, मुख के माध्यम से सुख ने गर्भ में प्रवेश कर लिया। कहते हैं गर्भस्थ सुख को मारने के लिए भोलेनाथ कहते हैं कि वेद व्यास तेरे घर में मेरा चोर आया है। वेद व्यास जी कहने लगे आया है तो मार दो। बोले कैसे मारू, आपकी पत्नी के गर्भ में जाकर बेटा पहले ब्रह्म हत्या करिए और ब्रह्म हत्या का दोष भुगत चुका हूं। ब्रह्मा जी के 5 मुंह थे, उन 5 मुंह में से एक मुंह में गधे के भौंकने के समान आवाज आती। भोलेनाथ को वो आवाज थोड़ी कर्कश लगती, बुरी लगती। एक दिन त्रिशूल से ब्रह्मा की वो गर्दन ही काट दी। जैसे ब्रह्मा की गर्दन काटी ब्रह्म हत्या का दोष लगा। भोलेनाथ के पीछे पीछे हत्या दौड़ने लगी, भोलेनाथ आगे आगे दौड़े। कहते हैं कि महादेव ने अनेक वर्षों तक जल में समाधि लेकर के तपस्या करी, जब जाकर के ब्रह्म हत्या ने पीछा छोड़ा। कहने लगे कि पहले हत्या कर चुका हूं अब नहीं करूंगा, जीवन में सब कुछ कर दिया जाए पर कभी भी किसी की भी हत्या करने का अधिकार हमें नहीं है। किसी व्यक्ति ने तुम्हारा सब कुछ भी बर्बाद कर दिया, तुम्हारे साथ बड़ा भारी धोखा कर लिया, तुम्हारे साथ बड़ी भारी दगाबाजी कर ली है, फिर भी सामने वाले को नहीं मारना चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। कहते हैं तुम्हें मार कर क्यों अरे बिगाड़े धर्म। किसी को मारेंगे तो क्या होगा, हम बन जाएंगे हत्यारे और हत्यारे बन जाएंगे। यहां की कोर्ट से तो पैसे दे के छूट जाएंगे पर एक कोर्ट वहां लगती है, क्या उस कोर्ट से छूट पाएंगे, नहीं छूट पाएंगे। तो निवेदन मारना तो किसी को भी नहीं, अगर किसी को मार दिया तो हत्यारे हो जाएंगे और हत्यारे हो जाएंगे तो क्या हमारे भगवान हमसे कभी खुश होंगे, कभी नहीं होंगे। इसलिए कोशिश की जाए 99 गालियों तक सुन लिया जाए पर 99 के बाद 100 हो जाए तो वो बात एक अलग है। पर मैटर हर एक भगवान पर छोड़ दो, जो काम अपन से नहीं हो रहा वो काम भगवान करने में सामर्थ्यवान है। अरे तुम्हें मार कर क्यों अरे बिगाड़े धर्म, अरे तुम्हें मार देंगे तुम्हारे कर्म हो, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे कर्म, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे कर्म, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे कर्म। कर रहा है पेड़
मार दे मार कर क्यों बिगाड़े धर्म, अरे तुम्हें मार देंगे तुम्हारे कर्म। हर स्थिति में कभी किसी को मारा ना जाए, भगवान के ऊपर छोड़ दिया जाए। हम मारेंगे तो एक लट मार सकते हैं, एक बंदूक की गोली मार सकते हैं, एक टांग तोड़ सकते हैं, एक पैर तोड़ सकते हैं, पर जब वो तोड़ेगा तो बिना टूटे ही इतना दर्द होगा कि अपने आप समझ में आ जाएगी। इसलिए बहुत सारे न्याय इधर वाले भी बजा ही लो, आई वाला ना बजा के अपने बजा लो। पर बहुत सारे तो इतनी चिंता में बैठे कि उनको मालूम ही नहीं कि मीटर क्या चल रहा। हाँ, आज जीवन में कभी किसी को मारा ना जाए, भगवान के ऊपर हर मीटर को छोड़ दिया जाए। क्योंकि जो भगवान के ऊपर भरोसा कर लेता है, मेरा भगवान उनके हर कार्यों को पूर्ण करता है। कहते हैं कि सुख बैठ गए गर्भ में, भोलेनाथ कहने लगे कि जब तक ये गर्भ से जन्म नहीं लेगा तब तक मैं बैठा रहूंगा। भोलेनाथ द्वार पर बैठे रहे, राम नाम का जाप करते रहे, करते रहे, करते रहे, करते रहे। आज जब राम नाम का जाप करते रहे, कहते हैं कि भोलेनाथ जाप करते हैं राम नाम का। अच्छा, राम जी बड़े हैं कि कृष्ण जी बड़े हैं? कौन बड़े? श्रेष्ठ कौन है? राम श्रेष्ठ है या कृष्ण श्रेष्ठ है? देखो, राम और कृष्ण दोनों कौन है? बोले दोनों ही विष्णु के पूर्ण अवतार हैं। एक ही व्यक्ति किसी के लिए तो मामा जी है, किसी के लिए काका जी है, किसी के लिए फूफा जी है। व्यक्ति वो एक ही है, पर वो किसी के लिए पिता है, किसी के लिए दादा है, किसी के लिए मामा है, किसी के लिए भाई है, किसी के लिए पति है, किसी के लिए दोस्त है। व्यक्ति एक ही, अर्थात राम कृष्ण में कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही है। राम कृष्ण एक है और अंतर नहीं निमेश, एक के नयन गंभीर है और एक के चपल विशेष। एक गंभीर रहता है और एक जिसके नयन, एक के नयन चंचल है और एक के नयन मर्यादित है, बस इतना सा अंतर है। एक मंदिर है राम का, एक मंदिर है कृष्ण का। राम जी मंदिर में कैसे खड़े हैं? राम जी मंदिर में कैसे खड़े हैं? सावधान, हाथ में धनुष बाण है, बगल में मां जानकी है, एक बगल में लक्ष्मण जी विराजमान। अब राम जी खड़े हैं बिल्कुल सीधे। कन्हैया के मंदिर में जाओ, कन्हैया कैसा खड़ा है जी? पैर के वहीं से देखो आप, बाप जी कभी यूं पैर नहीं रखे, वहां पैर भी टेढ़े रखे, घुटना भी हल्का सा टेढ़ा, कमर भी सीधी नहीं रखे, कमर भी टेढ़ी, और ऊपर आओ लकुट टेढ़ी, और ऊपर आओ मुकुट भी राधा रानी की तरफ झुक रहा, बांसुरी भी रावले कभी यूं नहीं पकड़े, या तो यूं पकड़े या यूं पकड़े, उंगलियां भी सीधी नहीं है, बोले उंगलियां भी टेढ़ी मेढ़ी, और तो और सब छोड़ो। एक बार बोलो राम, थोड़े जोर से बोलो, थोड़े और जोर से बोलो, एक बार बोलो कृष्ण। जब राम बोलो तो जबान सीधी सीधी बोल देती है राम, और जब कृष्ण बोलो तो खूंटी की तरह टेढ़ी होती है। एक बार बोलो कृष्ण, जोर से बोलो, बोले कृष्ण बोलो तो टेढ़ी होती है। एक बार बोलो राम, राम बोलो तो आराम से बोल देती है राम, अर्थात इनका नाम भी टेढ़ा है, इनकी कथा भी टेढ़ी है, इनका रूप भी टेढ़ा है, इनका रंग भी टेढ़ा है, इनकी लीला भी टेढ़ी है, तो फिर कुछ काम सीधा है कि सभी टेढ़ा है? सबको टेढ़ा मेढ़ा है कि एकाध काम सीधा भी है? ब्रज में गाते हैं, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया, अरे मुकुट तेरो टेढ़ो, अरे लकुट तेरी टेढ़ी, अरे मुकुट तेरो टेढ़ो, अरे लकुट तेरी टेढ़ी, पर अरे सीधी है रे सीधी तेरी राधा गुजरिया। सिर्फ
एक राधा नाम ही है जो सीधा है, बाकी रावले का सब टेढ़ा मेढ़ा काम। तो एक बार हमारे सरकार के लिए जोरदार ताली बजाइए। राम जी की कथा सीधी सीधी समझ में आ जाती कि अयोध्या में जन्मे, गुरु ग्रह पढ़ने गई रघुराई, यज्ञ की रक्षा करी, ताड़क सुबाहु को मारा, माँ जानकी के संग विवाह हुआ, तापस वेश विजय उदा से जंगल में गए, राम सेतु बनाया, रावण को मारा, पुनः अयोध्या आए। कन्हैया की कथा समझ में आती आती तो है, पर कथा बाबजी की चल रही है और जन्म अभी कल होगा। आज तीन दिन अपने को हो गए चर्चा करते करते, अभी जन्म होगा और महाभारत उन्होंने निपटा दी। कितने गजब के देवता है। बोले इनकी कथा कभी समझ में नहीं आती कि कब द्वारिका रहे, कब मथुरा रहे, कब गोकुल रहे, कब वृंदावन रहे, कब शांति बनी पहुंचे। बोले हमारे सरकार के ठिकाने अनेक है, नाम अनेक है, रूप अनेक है, रंग अनेक है, इनकी कथा भी अनेक है। बोले इनका कोई पार नहीं, ऐसे सरकार के चरणों में आप और हम सब बैठे हैं। पर पुनः कह दूं कि ये दोनों अलग नहीं है, दोनों एक ही है। कुछ काम रामा अवतार में किए, जो बच गए वो कृष्ण अवतार लेकर के निपटा दिए। आज कहते हैं राम नाम का जाप महादेव बैठे बैठे कर रहे। हमारे भोलेनाथ को अगर कोई सबसे प्यारे देवता लगते हैं तो वो हमारे राम जी लगते हैं, वो हमारे कृष्ण जी लगते हैं। इसलिए आज भी उज्जैन में जब महाकाल की सवारी निकलती है तो महाकाल अपनी पालकी से उतर करके गोपाल मंदिर में दर्शन करने के लिए आज भी जाते हैं। आज भी हरि हर का मिलन आज भी संपन्न होता है। हरि है विष्णु और हर है हमारे महादेव। एक है भक्त और एक है भगवान। इस दुनिया में सबसे बड़ा वैष्णव, सबसे बड़ा भक्त अगर भगवान का कोई है तो वो देवाली देव महादेव है। इसलिए सारे तो देवता हैं और हमारे भोलेनाथ देवों के भी देवता है। बोलिए बाबा राजा महाकाल महाराज की जय हो। आज भोलेनाथ कहने लगे कि कब तक जन्म नहीं लेगा। बोले मैं बेटा बेटा इंतजार करूंगा, गर्भस्थ सुख जन्म नहीं ले रहा, 9 महीने हो गए। तब कहते हैं कि गर्भस्थ सुख ने प्रार्थना महादेव से करी। आकाशे ताड़का लिंगम पाताले हटके श्वरम मृत्युर लोके महाकालम त्रियलिंगम नमो स्तुते। अकाल मृत्यु वो मरे जो कर्म करे चांडाल का, काल भी उसका क्या करे, अरे जो भक्त हो महाकाल का। राजाधिराज अवंतिकाधिपति महाकाल महाराज की जय। शिव नमः पार्वती पते हर 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 महादेव हर। आज देवादिदेव महादेव विराजमान रहे और विराजमान होकर के आज संपूर्ण चर्चा 9 महीने हुए। सुख ने प्रार्थना करी, भोलेनाथ प्रसन्न हुए, आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद देकर के कहा हरिओम हरिओम श्राधे रामचंद्र जी सेन। गुड़बेली वाले की तरफ से एक चक्र का कटा महाप्रसाद में दान किया जा रहा है। भागवत मैया की मनोकामना पूर्ण करें। बोलिए भागवत महापुराण की जय। हरिओम हरिओम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आज गर्भस्थ सुख ने जब प्रार्थना करी, भोलेनाथ प्रसन्न हुए, आशीर्वाद दिया कि मैं तुझे मारूंगा नहीं तो दुनिया का सबसे बड़ा वक्ता बनेगा, ऐसा आशीर्वाद देकर के भोलेनाथ विदा हुए। आज जैसे ही भोलेनाथ विदा हुए 9 महीने की जगह 9 साल हो गए, 10 साल हो गए, 11 साल हो गए, 12 साल हो गए, 13 साल हो गए, पर सुख ने जन्म नहीं लिया। जब सुख ने जन्म नहीं लिया और सुख ने जब जन्म नहीं लिया तो कहते हैं आज वेद व्यास ने प्रार्थना करी कि कृपा करके आप जन्म लो क्योंकि मेरी पत्नी तकलीफ पा रही है। कहते हैं कि प्रायः
नौ महीने में संतान का जन्म हो जाता है। आज नौ महीने नहीं, नौ साल हो गए, तेरह साल हो गए जब जन्म नहीं हुआ। तो प्रार्थना करी कि कृपा करके जन्म लो, क्योंकि मेरी पत्नी तकलीफ पा रही है। आज जब प्रार्थना करी तो कहते हैं कि सुख कहने लगा कि मैं जन्म तो ले लूं, पर जन्म लेते ही ये माया मुझे घेर ले, इसलिए मैं जन्म लेना ही नहीं चाहता। बोले माया कैसे घेरेगी? बोले माया क्यों घेरती है? देखो आप और हम सबका जब जन्म हुआ तो जन्म लेते ही माया ने अपने को भी घेरा। ये माया बड़ी खतरनाक है। कहां कहां रहती? बोले हर जगह रहती। केशव के कमला भई और शिव के भवन भवानी, पंडा के मूरत होई बेटी और ब्रह्मा के ब्रह्माणी। केशव के घर ये माया लक्ष्मी बन के बेटी है, भोलेनाथ के घर पार्वती बन के बेटी है, ब्रह्मा के घर ब्रह्माणी बन के बेटी है और पंडा के घर मूर्ति बन के बेटी है। गंगा जी स्नान करने जाओ तो वहां भी पंडे रोक लेते हैं, बोले लाओ जजमान गंगा स्नान की दक्षिणा दो। मंदिर में जाओ तो वहां भी अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो वीआईपी गेट से प्रवेश करो। वाह वाह वाह, बोले भगवान के मंदिरों में भी पैसा काम कर रहा है। और तो और छोड़ो, जीते जी तो करे करे, मरने के बाद भी वहां भी पूछा जाता है कि कितना दान करके आए, कैसा दान? बोले शुभ दान, खुद की कमाई का दान, किसी को लूट के किसी और को देने कर नहीं। बोले खुद की संपत्ति का कितना दान पुण्य किया, कितना हित किया। अर्थात माया की जरूरत तो मरने के बाद भी है, वहां भी इसका हिसाब किताब होता है। तो क्या करे, माया छोड़ दें? बोले मत छोड़ो, पर माया के चक्कर में माधव को कभी मत बोलो, यही जीवन का गणित है। बोले माया में तो रहना पड़ेगा, बिना माया के तो रह नहीं सकते, पर माया में रहकर माधव के चरण को जो पकड़ ले वही जीत जाता है। कहते हैं इस धरती पर जो भी दान पुण्य दो वो मरने के बाद अगर कंबल दो तो कंबल वहां पहुंच जाता। एक जजमान ने सोचा कि मेरे पिताजी को मैंने पंडित जी को जूते दे दिए तो जूते वहां चले गए, पंडित जी को खीर खिला दी तो खीर भी वहां चली गई। एक दिन पिताजी आए सपने में मरने के बाद, पिताजी कहने लगे कि बेटा मेरे को बुखार आ गया। क्या गया? बुखार आ गया। बेटे ने सोचा पिताजी का बुखार कैसे उतरे? बोले पंडित जी को कंबल दी तो पिताजी को वहां ठंड नहीं लगी, जूते दे दिए तो वहां उनको कंकर नहीं चुभे, अब बुखार आ गया तो क्या करें? बोले पहले इलाज था नहीं, बोले पहले चढ़ा देते डाम। क्या चढ़ा देते? डाम। अब क्या करें जो पिताजी का बुखार उतर जाए? पंडित जी को बुलाया, बोले गुरुदेव आपके डाम चढ़ा दे। बोले जजमान क्यों? बोले इसलिए चढ़ा दे क्योंकि मेरे पिताजी सपने में आए थे, रात में कह रहे थे बेटा तबीयत खराब है, कंबल तो आ गया, जूते भी आ गए, चप्पल भी आ गए, छतरी भी आ गई, बाल्टी भी आ गई, रस्सी भी आ गई, खटिया भी आ गई, सब आ गया, बस बुखार और आया, तो पंडित जी के डाम चढ़ा दो तो डाम चढ़ाने से बुखार भी उतर जाए। देखो ये विनोद की बात है, मजाक की बात है, पर कहते हैं कि यहाँ दिया हुआ हर एक दान वहां पर प्राप्त होता ही होता है। कहते हैं कि ब्राह्मण लोग जल चढ़वाते हैं और जब जल चढ़वाते हैं तो कहते हैं कि यहाँ का जल वहां चढ़ पहुंच जाता। कैसे पहुंचता है? अजमल जी महाराज ने लड्डू मारा था, लड्डू मारा तो द्वारिका में था पर लगा समुद्र तक पहुंच गया था। तुम भगवान को जो भी अर्पण करोगे मेरे भगवान स्वीकार करते ही करते हैं, चाहे तुम जो भी चढ़ाओ। तुम क्रोध चढ़ाओगे तो भी उन्हें स्वीकार है, तुम लोभ चढ़ाओगे तो भी स्वीकार है, तुम मोह चढ़ाओगे तो भी स्वीकार है, तुम लड्डू चढ़ाओगे तो भी स्वीकार है। आज कहने लगा कि मैं जन्म तो ले लूं पर जन्म लेने पर मुझे माया घेर लेगी। तुम कहोगे कि मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा, एक दिन मेरी शादी करा दोगे, संतान का जन्म होगा, संतान के चक्कर में जीवन भर कमाता रहूंगा और एक दिन कमाते कमाते मर जाऊंगा, ऐसी जिंदगी मुझे जीना नहीं है। बोले बेटा कैसी जीना है? बोले जंगलों में जाकर के भगवान का नाम लेना। बोले बिल्कुल लो, पर जन्म तो लो। आज जन्म लिया, जन्म लेते ही न माँ को माँ कहा न पिता को पिता कहा, सीधे चले गए जंगलों की तरफ। पीछे पीछे पिताजी दौड़े आए, कहने लगे बेटा रुक जा रुक जा रुक जा। जब पुत्र नहीं रुका, ज्ञान दिया कि हे पिताजी
कई बार हमारा जन्म हुआ है, कई बार आप पिता बने हो तो कई बार मैं पिता बना हूं। इस संसार में आवागमन का खेल चलता रहता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरी शयनम। बार बार मनुष्य का जन्म होता है, बार बार मनुष्य मरता है, तो ये जितने भी रिश्तेदारी का प्रपंच है ये झूठा है। देखो, जब अपना जन्म नहीं हुआ उससे पहले अपना कोई रिश्तेदार था, जब जन्म नहीं हुआ उससे पहले कोई रिश्तेदार अपना था, नहीं था क्या? था। जन्म से पहले कोई रिश्तेदार था, नहीं था। मरने के बाद कोई रिश्तेदार रहेगा? गाटा हुआ, मौसर हुआ, पत्तल उड़ी, टेंड खुला, कुंभ लगा, मैटर खत्म। जितने भी रिश्ते हैं सब खत्म हो जाते हैं। अर्थात न जन्म से पहले कोई रिश्तेदार था, न मरने के बाद कोई रिश्तेदार है। ये जितना भी प्रपंच है ये कब है? बोले जीवन और मृत्यु के बीच में का बस एक छलावा है, बाकी जगत में कोई किसी का रिश्तेदार नहीं। पर दो रिश्तेदार ऐसे हैं जो पक्के हैं। एक पड़ोसन गई दूसरी पड़ोसन के पास, एक पड़ोसन गई दूसरी पड़ोसन के पास, जाकर के अपनी पूरी बात बताई। क्या बात बताई? बोले बात ये बताई कि माँ के लाड़ी तुम रोटी देज कौन? माँ के लाड़ी रोटी नहीं दे, दे तो ठंडी दे। हजारों बुराइयां करी, एक डेढ़ घंटे तक बुराई करके रोए भी से, नकली आंसू भी निकाले। बोले सामने पड़ोसी के आगे रोना पड़ता, पड़ोसी के आगे दुकड़ा सुनाने से, रोने से अपना नाम ऊंचा हो जाता। तो एक डेढ़ घंटे तक बेचारी पड़ोसन रोई, रो रोआ के पूरा मैटर बताया। एक डेढ़ घंटे तक रोना धोना हुआ, बात हुआ, चर्चा हुई, वो पड़ोसन अपने घर चली गई रोने वाली। अब उसी दूसरी पड़ोसन के पास तीसरी आई, कहने लगी वो फलाण सिंह जी के घर की क्या बात कर रही थी? तो सामने वाली कहने लगी कि कुछ भी नहीं, सब इनके कर्म के फल है। इनकी सासू माँ को इन्होंने रोटी नहीं दी तो इनकी बहू इनको क्यों दे? सब कर्मों के फल। ये बात कौन कह रहा है? ये बात वो कह रही है जिसके आगे डेढ़ घंटे तक रोना धोना किया, डेढ़ घंटे तक बुराइयां करी। देखो, यही रोना धोना अगर भगवान के आगे होता तो शायद भगवान कृपा कर देते और मैटर खत्म करने की क्षमता वो रखते। पर हम रोते किसके आगे? हम रोते उनके आगे हैं, बापड़ों के, जिनके खुद के दुख। इस दुनिया में कोई सुखी है? कोई सुखी नहीं। और हम उनके आगे रोते हैं जो खुद भी तकलीफ में, और जिनके आगे रोए उन्होंने कितनी बढ़िया कृपा करी। तुम्हें जाए हुए 5 मिनट भी नहीं हुए और उन्होंने कह दिया कि सब इनके ही कर्मों का फल। तो ऐसे के आगे कभी मत रो मेरे बंधु बांधव, जो तुम्हें ये कह दे कि ये तुम्हारे कर्मों का फल है। इस दुनिया में तुम्हारा दुखड़ा दूर करने वाला कोई नहीं। किसी की मौत हो जाए, लोग बैठने के लिए आते हैं, रोने के लिए आते हैं, पर क्या वास्तविकता में सब रोते हैं? सब नहीं रोते। कोई कोई तो सिर्फ अपना फॉर्मेलिटी अदा करने आता है कि हाँ मैं आया। अगर रोता है तो कौन रोता है? बोले कुछ ही ऐसे होते हैं अपने जो रोते हैं, बाकी तो सब अपना अपना काम पूरा करके जाते हैं। पर जो रोने आते हैं, क्या वो वास्तविकता में दुख कम करने आते हैं कि बढ़ाने आते हैं? और बढ़ाने आते हैं। बोले तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ। अब उनके आगे जो नहीं रोवो तो वो यूं कह देगा ना कि तो लागी कौन, रोना पड़ता है। अगर नहीं भी आंसू आए तो भी उनके आगे रोना पड़ता है कि घणो भरो वियो। देखो, ये दुख दूर करने नहीं आते, बोले और ये दुख बढ़ाने आते। किसी का अस्पताल में ऑपरेशन हुआ, बीमारी से ठीक हुए, एक्सीडेंट से ठीक हुए, घर पे आए, तो फिर घर पे आते हैं लोग समाचार लेने आते हैं। तो वो जो समाचार लेने आते हैं वो दुख कम करने आते हैं कि बढ़ाने आते हैं? ऐसा काई कारम करिया व्या गयो थाने जो सुख भरू व्यू था घंटे। वो दुख कम करने नहीं आते, वो और बढ़ाने आते। इसलिए प्रार्थना, जगत से कभी आस नहीं करनी कि कोई हमारा दुख दूर करेगा। दुख दूर करने वाला सिर्फ भगवान है, और हमारा वास्तविक रिश्तेदार भी सिर्फ भगवान है। सिर्फ हमारे दो ही रिश्तेदार। दो कौन कौन? कौन कौन है जी? दो रिश्तेदार। सो दो रिश्ते दुनिया में होते हैं, एक तो सांसारिक, एक पारमार्थिक। जो सांसारिक रिश्तेदारी है वो मौसर शादियों तक और आवण जावण तक लिमिटेड रहती है। एक होती है पारमार्थिक रिश्तेदारी। जितने भी बेटे हैं क्या अपन सब रिश्तेदार हैं?
कोई रिश्तेदारी नहीं, पर हमारा सबसे बड़ा रिश्तेदार है भगवान और उसी के पीछे अपन सब बैठे हैं। ये जितने भी गाजे बाजे बज रहे हैं ये किसके पीछे बज रहे हैं? इन्हीं के पीछे बज रहे हैं। ये जितने भी भंडारे हो रहे हैं किसके पीछे हो रहे हैं? बोले इन्हीं के पीछे हो रहे हैं। तो आप और हम सब यहाँ बैठे हैं किसकी वजह से बैठे हैं? इनकी वजह से बैठे हैं। तो निवेदन, किसी रिश्तेदार के पास देखो, ताली बजाने से ताली टूटती नहीं है और ताली मजबूत हो जाती है। जो लोग कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, ताली बजाते हैं, उनको बुखार भी नहीं आता, ये गारंटी है, क्योंकि इस हाथ में ही सब रेखाएं हैं। एक बार बजाओ जोरदार ताली। दुनिया की रिश्तेदारी लिमिटेड है, सीमित है, पर जितने भी हम यहाँ बैठे हैं हमारा रिश्ता किससे है? बोले किसी पंडित जी से नहीं, बोले भगवान से, और भगवान से ही, इसीलिए आप और हम सब यहाँ विराजमान है। तो आइए आनंद के साथ, हमारे दो ही रिश्तेदार, अरे एक हमारी राधा रानी, अरे एक हमारी, अरे राधा रानी, अरे दूजे सांवरिया सरकार हमारे, अरे ये दो ही रिश्तेदार। इस दुनिया में ये दो ही ऐसे रिश्तेदार हैं जो ना कभी नाराज होते हैं, न कभी बदलते हैं, और न कभी आमना करते हैं कि तू मेरे यहाँ क्यों नहीं आया। ये कहने वाला सिर्फ वही है जो कभी आपसे नाराजगी व्यक्त नहीं करता। तो जगत में किसी और से रिश्तेदारी करें न करें, पर इनसे रिश्तेदारी होना बड़ी जरूरी है, क्योंकि काम इन्हीं से पड़ना। आज कहते हैं कि सुखदेव जी महाराज नदी के किनारे बैठे पिता को बड़ा प्यारा उपदेश दिया, पर कहते हैं कि पिताजी ने संतान को जन्म इसलिए दिया था कि मेरी संतान होगी तो मेरी भागवत का प्रचार प्रसार करे। आज वेद व्यास जी के जब सपने टूटे, श्लोकों का उच्चारण जंगलों में करवाया, श्लोकों को सुन करके सुखदेव जी दौड़े दौड़े आए, पूछा कि ये दो श्लोक कहाँ से लाए? बोले ये तो सिर्फ दो है, ऐसे 17,000 श्लोक और बाकी है, 17,998 श्लोक और बाकी है। बोले कहाँ है? बोले वेद व्यास जी के पास। दौड़े दौड़े गए, पिता के चरणों में प्रणाम किया। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधो च सखा तमेव। हे पिताश्री, आप ही बंधु हो, आप ही सखा हो, आप ही गुरु हो, कृपा करो। और कृपा कैसी करो? जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान कृपा करो महाराज दया निधि, कृपा करो महाराज। हनुमान चालीसा की शुरुआत होती है श्री गुरु चरण सरोज रज। सबसे पहले गुरु की वंदना, अंत हुआ तो अंत में भी कहा जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। ये नहीं कहा कि राम की तरह कृपा करो, शिव की तरह कृपा करो, जगदम्बा की तरह कृपा करो। कैसी कृपा करो? गुरु की नाई। इस जगत में सबसे बड़ी कृपा मानी जाती है गुरु कृपा, सबसे बड़ी। अगर गलती से तुम्हें किसी की हत्या हो गई, बंदूक इधर की उधर चल गई, हो जाता, बंदूक आसमान में चलाने जाओ ना धरती पे चले जाए तो जजमान ही नहीं पड़ जाए। मैंने बंदूक का फोटो जब डाला तो कईयों ने यूं कहा कि बड़े ध्यान रखना, कहीं ऐसा नहीं हो कि जो जजमान हो उन्हीं को निपटा दो। हाँ, बोले ऐसा तो नहीं करें, ये हाथ इतने भी कमजोर नहीं कि अपने जजमान को निपटा दे। हाँ, जजमान से ही तो हम हैं, अगर जजमान को निपटा दे तो फिर हम कहाँ जाए। कहते हैं कि इस जगत में सिर्फ ब्राह्मण ही ऐसा है जो चाहता है, गुरु ही ऐसा है जो चाहता है कि मेरा जजमान यशस्वी हो, बलवान हो, शौर्यवान हो, ऐश्वर्यवान हो, लक्ष्मीवान हो। बोले क्यों? बोले जजमान चकाचक रहेंगे तो पंडित जी अपने आप चकाचक रहेंगे,
अगर जजमान के ही माखे लग रहे तो फिर जजमान के उड़े, गुरुजी के उड़े, फिर गुरुजी के भी नहीं उड़े। इसलिए भगवान से ही प्रार्थना, हमारे सब अचक जजमान माला माल हो, सांवरिया सेठ की कृपा हो, ताकि उन पे कृपा होगी तो पंडित जी ऐसे आनंद मंगल में, हमें और चाहिए क्या। कहते हैं कि एक डॉक्टर चाहता है कि उसके पास मरीज आवे, वकील चाहता है कि कोई केस आवे, पुलिस चाहती है कि कोई मैटर आवे, पर एक गुरु चाहता है कि मेरे जजमान के यहाँ वास्तु हवन हो, मेरे जजमान के यहाँ कथा हो, मेरे जजमान के यहाँ सुंदर कांड हो और मैं करने जाऊं। अर्थात इस दुनिया में ब्राह्मण ही ऐसा है जो चाहता है कि मेरे जजमान का हमेशा भला हो। आज जीवन में कोई और कृपा हो ना हो, पर गुरु कृपा जीवन में होना जरूरी है, क्योंकि जिसका गुरु बलवान होता है तो चेला पहलवान होता है। आज प्रार्थना करी कि गुरु की तरह कृपा करो। गुरु जी ने कृपा करी, बेटा बना चेला, पिताजी बने गुरु। इस दुनिया में सबसे श्रेष्ठ गुरु है पिता। इंसान अपने पिता से बहुत कुछ सीखता है। क्या क्या सीखता है सुनिए। एक बेटा अपने पिताजी की आज्ञा को मानता, एक नहीं मानता। एक तो है पुता पिता पुत्र का रिश्ता, एक है गुरु चेले का रिश्ता। एक बार एक चेला नया नया चेला बना, और जब चेला बना तो थोड़ा आलसी था, गुरु जी की शरण में रहने लगा, क्योंकि गुरु जी के पास आनंद ही आनंद रहता, तो गुरु जी के पास रहने लगा। गुरु जी ने कहा कि बेटा चेला, बारिश हो रही है और बाहर गाय बंधी हुई है, छोड़ के आ जा। चेला कहने लगा, गुरुदेव बंधन से छोड़ना तो गुरु का काम है, मेरी क्या औकात कि मैं किसी को छोड़ू। गुरु जी समझ गए कि चेला एक नंबर का आलसी है, नहीं जाएगा छोड़ने, नहीं गया। गुरु जी बेचारे छोड़ने गए। रात हुई, जैसे ही रात हुई गुरु जी कहने लगे, चेला बारिश बंद हो गई कि अभी भी हो रही है। चेला कहने लगा, गुरुदेव ये बिल्ली अभी अभी बाहर से आई है, हाथ लगा के देख लो, गीली है तो हो रही है और सूखी है तो नहीं हो रही। गुरु जी बोले कि वाह मेरे चेला, चेला नहीं मिला गुरु जी मिले। रात की 11 बज गई। गुरु जी बोले, बेटा एक काम करो, ये चिमनी बंद कर दो, अपने घासलेट खत्म हो जाएगा तो फिर कल क्या लगाएंगे, पहले ही साधु बाबा जी अपने पास कुछ है नहीं। चेला कहने लगा, गुरुदेव आंखें बंद कर लो और ऐसा सोचो कि चिमनी बंद हो गई। गुरु जी बोले, वाह मेरे चेले, तेरे जैसे चेले जो मिल जाए तो जीवन धन्य। सुबह हुई, भंडारा शुरू हुआ। गुरु जी कहने लगे, चेला भगवान को भोग लगा दो। चेले ने सोचा कि अब जीवने की बात आ गई तो अब मना नहीं करना चाहिए। चेला कहने लगा, गुरुदेव आपकी तीन तीन आज्ञा नहीं मानी, अगर चौथी आज्ञा नहीं मानूंगा तो नरक में जाऊंगा, मैं अभी जा रहा हूं। गुरु जी की तीनों बातें नहीं मानी, जब काम की बात आई तो बिल्कुल मानी। हम मानते किसकी हैं, गुरु जी की नहीं मानते। एक चेला गुरु जी से मिलने आया, बहुत दिन में आया। गुरु जी कहने लगे, बेटा रुक जाओ। चेला कहने लगा, नहीं गुरु जी टाइम कहाँ है, बहुत काम है, जाना पड़ेगा। बोले, मेरी कसम रुक जाओ। बोले, नहीं रुकाए, जाना पड़े। चेला गया, रास्ते में बिल्ली रास्ता काट गई, कुत्ते रोने लगे, सांप ने भी रास्ता काट लिया, लकड़ी के ढूंढ के मिल गए। चेले ने सोचा कि अब नहीं जाना चाहिए, वापिस चलो। चेला वापिस गया। गुरु जी ने कहा, बेटा कैसे आए। चेला कहने लगा, गुरुदेव बिल्ली रास्ता काट गई, सांप रास्ता काट गया, लकड़ी के ढूंढ के मिल गए, कुत्ते रोने लगे। गुरु जी कहने लगे, वाह मेरे चेला, मेरी तो नहीं मानी, कुत्ते की मान ली, बिल्ली की मान ली, सांप की मान ली, ढूंढकों की मान ली, पर गुरु जी की नहीं मान ली। इस दुनिया में लोग सकुन अब सकुन मान लेंगे, पर गुरु की आज्ञा को नहीं मानेंगे। जो गुरु आज्ञा को मान लेता है, बोले सबसे बड़ी कृपा भी गुरु कृपा है और सबसे बड़ी दया भी गुरु की ही दया है। अगर हत्यारे हो गए गलती से तो गांव के लोग कहेंगे कि इसे मंदिर में मत आने दो, ये पापी है, ये हत्यारा। पर क्या गुरु का दरवाजा बंद होता है? तुम कितने ही बड़े हत्यारे हो, तुम कितने ही बड़े पापी हो, गुरु का दरवाजा कभी बंद नहीं होता। तो जीवन में एक गुरु ऐसा जरूर बनाना जो तुम्हारे दुख के समय में तुम्हारे माथे पर हाथ रख दे कि चिंता मत कर मैं बेटा हूं। आज कहते हैं कि पिताजी को गुरु बनाया, चेला खुद पुत्र सुखदेव बने, वेद व्यास जी बने पिता, और श्रीमद भागवत कथा का प्रचार प्रसार शुरू। कहते हैं परीक्षित जन्मेजय को राज्य सौंपकर गंगा के किनारे आए।
लोगों से पूछ रहे हैं कि जिसकी मौत 7 दिन में हो उसे क्या करना चाहिए। बड़ा ही प्यारा प्रश्न है। एक बार दोनों हाथ उठा के प्रेम से क्या बोलेंगे, जोर से और जोर से और जोर से। देखो परेशान तो नहीं हो रहे आप, नहीं हो रहे नहीं? हाँ परेशान मत होना, हो भी रहे हो तो होना पड़ेगा, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। दोनों हाथ उठा के जोर से बोलो। आज कहते हैं कि परीक्षित जी गंगा के घाट पर आए, प्रश्न पूछा कि जिसकी मौत 7वें दिन हो उसे क्या करना चाहिए। 7 बार है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। इन 7 बार में से एक बार अपना भी फिक्स है कि नहीं? अपना भी बार एकादा है कि नहीं? कि वैक्सीन लगा ली अजर अमर हो गए, वैक्सीन लगाने से भी अजर अमर नहीं होंगे? बोले मरना तो है ही है, इस दुनिया का सबसे बड़ा सत्य है मृत्यु। आज यक्ष से प्रश्न पूछा धर्मराज, सबसे बड़ा सत्य क्या है? तो धर्मराज ने उत्तर दिया कि हे यक्ष, मृत्युर प्राणिर नाम अकाट्य सत्य। इस दुनिया का सबसे बड़ा सत्य है मृत्यु, सबसे बड़ा। हर बात को भूल जाओ पर अपनी मौत को कभी भी नहीं भूलना। इन 7 बार में से एक बार अपना भी फिक्स है। इतनी तारीख से कथा वहां, इतनी तारीख से कथा वहां, इतनी तारीख से कथा वहां। एक कथा ऐसी भी होगी जो मसान में होगी और आखिरी होगी। इतनी तारीख को आयोजन वहां, इतनी तारीख को आयोजन वहां, एक आयोजन है। तो निवेदन, 7 दिनों में मृत्यु, ये सिर्फ परीक्षित की बात नहीं, ये हम सब की बात। आज किसी ने कहा तपस्या करो, किसी ने कहा साधना करो, किसी ने कहा व्रत करो, किसी ने कहा दान करो, किसी ने कहा समाधि ले लो, किसी ने कुछ तो किसी ने कुछ कहा। क्या सब गलत कह रहे हैं? बोले नहीं, सब अपने अपने हिसाब से कह रहे हैं, अपनी अपनी मति के अनुसार कह रहे हैं। आज परीक्षित को याद आया कि जो भगवान माँ के गर्भ में रक्षा करने आया था, क्या वो भगवान आज मेरी रक्षा करने नहीं आएगा? बोले जरूर आएगा। आज परीक्षित ने भगवान को पुकारा कि हे नाथ, अगर तुम गर्भ में रक्षा करने आ सकते हो तो कृपा करो और गंगा के घाट पर भी प्रकट सरकार हो जाओ। अरे साथी हमारा, अरे कौन बनेगा? अरे तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा? तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा? साथी हमारा कौन बनेगा? साथी हमारा कौन बनेगा? तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा? ना सुनोगे तो कौन सुनेगा? जो जो सुनाने आए हैं उठा के दो हाथ। मुसीबत अड़ी गई है, आज हमको तुम्हारी जरूरत पड़ गई है। पानी है सर से ऊपर, मुसीबत अड़ी गई है। अरे शाम बिना नहीं जीना,
हरिश्याम बिना नहीं जीना, घनश्याम बिना नहीं जीना, अरे चाहे देनी पड़े जाए जब तक सांसें चलेगी तुझको भजूंगा शाह, जब तक सांसें चलेगी तुझको भजूंगा शाह, और मर भी गया तो भी तेरा ना झूठे दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो सबकी पुकार पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार, दयालु विनती बारंबार, अरे सा सुनोगे तो कौन सुनेगा। सरकार तुम नहीं सुनोगे तो इस जगत में भला और कौन सुनेगा। आप ही तो ऐसे हो जो दया कर देते हो, आपका नाम दीन दयाल है। हे नाथ दया करो, कृपा करो। आज भगवान के दरबार तक जब संदेशा पहुंचा, अर्जी पहुंची, पुकार पहुंची, मेरे भगवान गरुड़ पर सवार होकर के चल पड़े। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। इस दुनिया में तीन डॉक्टर हैं, एक है ब्रह्मा, दूसरे हैं विष्णु, तीसरे हैं महेश। कहते हैं इन तीनों देवताओं का अलग अलग डिपार्टमेंट है। ब्रह्मा का काम है सृष्टि को उत्पन्न करना, ब्रह्मा का काम है सृष्टि को उत्पन्न करना, विष्णु का काम है पालन करना, और महेश का काम है मृत्यु प्रदान करना। बीमारी चर्म रोग की हो तो चर्म रोग के डॉक्टर को बताना पड़ता है, बीमारी हृदय रोग की हो तो हृदय रोग विशेषज्ञ को बताना पड़ता है, बीमारी अगर आंखों की हो तो नेत्र रोग विशेषज्ञ को बताना पड़ता है। आज परीक्षित को बीमारी कौन सी है? मौत की बीमारी। कौन सी बीमारी है? मौत। 7 दिनों में मरना, और मौत का देवता कौन है? हमारे महादेव। कहते हैं कि मृत्यु प्रदान करने वाले और मृत्यु के ऊपर विजय देने वाले अगर कोई देवता है तो वो राजाधिराज महाकाल है। आप हम सब महादेव की आरती गाते हैं। आरती सिर्फ महादेव की नहीं है, बोले आरती तीनों के तीनों देवता की है। एकानन चतुरानन, अरे पंचानन राजे हो बोले, पंचानन राजे, अरे हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, अरे वृषवाहन साजे, ओम जय शिव, अरे प्रणवाक्षर के मध्य ओंकारेश्वर मध्य, यह तीनों एका हो भोले, यह तीनों एका, अरे भोले भोले नाथ महादेव, भोले भोले नाथ महादेव, अरे अरे दांगिनी धारा, ओम
एकानन, एकानन कौन है, चतुरानन कौन है, पंचानन कौन है, एक मुख के हैं विष्णु भगवान, चार मुख के हैं एकानन चतुरानन हमारे महादेव, पंचानन ब्रह्मा जी। हंसासन गरुड़ासन, एक हंस पर बैठता है, एक गरुड़ पर बैठता है, एक बेल पर बैठता है। कहते हैं कि बेल पर बैठते हैं हमारे महादेव, गरुड़ पर बैठते हैं हमारे विष्णु भगवान, और हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे, हंस पर बैठने वाले ब्रह्मा। आज तीनों के तीनों देवताओं के वाहन अलग अलग, तीनों के मुख अलग अलग, पर फिर भी कहा अरे प्रणवाक्षर के मध्य ओंकारेश्वर मध्य यह तीनों एका। ये तीनों के तीनों देवता एक ही स्वरूप है, किसी ने शिव माना, किसी ने विष्णु माना, तो किसी ने ब्रह्मा माना। देखो ओंकारेश्वर में एक ऐसा तीर्थ है, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है, और श्री हमारे जगत गुरु के द्वारा लोगों ने प्रार्थना करी कि हे जगत गुरुदेव, गरीब आदमी 12 ही ज्योतिर्लिंग के दर्शन नहीं कर सकता, ऐसी कृपा करो कि ओंकारेश्वर में 12 ही ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो जाए। तब आशीर्वाद दिया और जगत गुरु के द्वारा स्थापित ओंकार नाथ में 12 ही ज्योतिर्लिंग के दर्शन परिक्रमा में होते हैं, और वो परिक्रमा है ओम आकार की परिक्रमा। कहते हैं कि उसी परिक्रमा मार्ग में आते हैं ऋण मुक्तेश्वर महादेव, जो माँ नर्मदा और कावेरी के संगम पर विराजमान है। कहते हैं कि व्यक्ति के ऊपर कितना ही बड़े से बड़ा कर्जा हो, करोड़ों का हो, अरबों खरबों का हो, बड़ी ही भावना के साथ घर पे बैठकर ओम नमः शिवाय करके, ओम नमः शिवाय का जाप करके, पीले कपड़े में 1.25 किलो या 1.25 ग्राम चने की दाल ओंकारेश्वर में ले जाकर महादेव पे चढ़ा देता है, 11, 21, 51 रुपए चढ़ा देता है, महादेव रास्ता बताते हैं, और 12 महीने के भीतर भीतर कितना भी बड़ा कर्जा हो महादेव निपटा देते हैं। अब ये बात बनी बनाई नहीं है, ये अपने जीवन में अनुभव करी हुई है, और ये चमत्कार साक्षात देखा हुआ है। तो निवेदन, जब भी ओंकारेश्वर जाओ तो ऋण मुक्तेश्वर भगवान को चने की दाल जरूर चढ़ाना चाहिए। बोल ऋण मुक्तेश्वर महादेव की जय। कहते हैं कि मृत्यु को देने वाले हैं महाकाल, आज भगवान भोलेनाथ के ही अवतार श्री सुखदेव जी महाराज हैं, और सुखदेव जी महाराज को संदेशा पहुंचा कि गंगा के घाट पर एक श्रेष्ठ यजमान बेटा, और कृपा करके जाओ और उन यजमान को संपूर्ण श्रीमद् भागवत कथा सुनाओ। देखो कनेक्शन कहां से कहां तक जुड़ा हुआ। परीक्षित ने प्रार्थना करी थी विष्णु भगवान से, विष्णु भगवान ने संदेशा पहुंचाया महाकाल को, और महाकाल ने सुखदेव जी महाराज को संदेशा दिया, और सुखदेव जी भागवत महापुराण को लेकर के चल पड़े। सुखदेव जी की तन की स्थिति कैसी है, बोले सुखदेव जी महाराज के शरीर पर वस्त्र का एक तार भी नहीं, नग्न अवस्था में है, दिगंबर है। जब रास्ते में जा रहे तो बच्चे कंकर फेंक रहे, पत्थर फेंक रहे, कुत्ते भौंक रहे। कहते हैं सुखदेव जी महाराज ने किसी की तरफ पलट के तक नहीं देखा। जीवन में अगर सफल होना है तो एक तो भौंकने वाले, कंकर फेंकने वाले, फूल बताने वाले, फूल की माला देने वालों के पास कभी मत रुकना, चलते रहना। गांव में जब हाथी आता है तो कौन भोगते हैं, जोर से बोलो कौन भोगते हैं, है जी, कुत्ते, टेगड़े, हाँ टेगड़े, ये टेगड़े कहने वाले के लिए ताली बजाओ। हाँ टेगड़ा ओरिजिनल नाम है, कुत्ता तो फिर वापस ऊपर से रखा हुआ नाम है। तो ये टेगड़े जो होते हैं ये क्या करते हैं, भोगते हैं कि बसते हैं, बसते हैं। हाँ ये सही, एक बार इनके लिए ताली बजा। तो इन हाथी के और कुत्तों के दुश्मनी क्या है ये आज दिन तक मीटर मालूम नहीं पड़ा, पर हाथी के आने पर ये कुत्ते भोगते ही भोगते, वो हाथी कुत्तों की तरफ कभी ध्यान ही नहीं देता, पर ये कुत्ते भी बड़े साने, कहां खड़े होके भोगते हैं, हाथी के आगे के पीछे, यहां रोग नंबर है।
पीछे हाँ आगे क्यों नहीं भोगते? बोले आगे इसलिए नहीं भोगते क्योंकि हाथी जो है वो गजानन है और गजानन महाराज का जो पैर है वो अपने पैर इतना बड़ा नहीं, उनका पैर है मोटा। अगर जो आशीर्वाद दे दी पड़ बन जाए फिर खड़ा होने जैसा रहा नहीं। अर्थात ये जितने भी भोगने वाले लोग हैं ये कहां खड़े होके भोगते हैं? पीछे। इनको मालूम है कि आगे जो भोगेंगे तो पापड़ हो जाएंगे, इसलिए इन भोगने वालों को अपनी औकात भी मालूम है कि अपने को भोगना कहां। ये भोगते कब हैं? बोले तुम्हारे जाने के बाद, तुम्हारी पीठ के पीछे। अगर तुम्हारी पीठ के पीछे अगर तुम्हारी कोई बुराई कर रहा है तो चिंता नहीं करनी, निंदा उसी की होती है जो जिंदा होता, जो मर जाता है उसकी तो तारीफ होती। अगर तुम्हें अपनी तारीफ सुनना ज्यादा ही पसंद है तो एक काम करो, मर जाओ। सही कह रहा हूं, अभी हल मरो। शाम तक 10 दिन तक 12 दिन तक आपकी तारीफ ही तारीफ होगी। भले गालियां देता था पर बापड़ा बहुत बढ़िया था, धर्म के काम में रोड़े अटकाता पर बापड़ा बहुत बढ़िया था, धर्म का काम जब भी होता था तो उल्टा सीधा फार्म भरता ही भरता था पर बापड़ा बहुत अच्छा था, भले गालियां देता था पर बापड़ा बहुत अच्छा था, लोगों की जमीनों पर कब्जा कर देता था पर बापड़ा फिर भी बहुत अच्छा था, कांटों को बिछा देता था रास्तों में पर बापड़ा बहुत अच्छा था। तुम मरो, तुम्हारे मरने के तुरंत बाद ही तारीफ होना शुरू हो जाएगी। निंदा तो तभी होती है जब इंसान जिंदा होता है। तो निवेदन, तारीफ के भरोसे नहीं रहना। वो हाथी, कोई हाथी को हाथ जोड़ करके प्रणाम करता है कि गजानन गणपति महाराज आए, और कोई कोई हाथी को देख करके भोंकता है, कोई कंकर फेंकता है, पर वो हाथी ना हाथ जोड़ने वालों के पास खड़ा रहता है, ना फूल की माला देने वालों के पास खड़ा रहता है, ना भोंकने वालों के साथ खड़ा होता है। वो अपनी मस्त मतवाली चाल के साथ चलता जाता है। तो निवेदन, तुम मंदिर जाओगे, तुम दर्शन करने जाओगे, तुम माथे पर तिलक लगाओगे, तुम कथा सुनोगे, तुम तीर्थ यात्रा करोगे, तुम भंडारा करोगे, तुम मंदिर निर्माण करोगे, तुम मंदिर में कलश चढ़ाओगे, लोग ये कहेंगे कि बापड़ा घना धर्म आदमी वही रहा है। पर उन लोगों के बारे में विचार मत करना कि तुम्हें कौन कुछ कह रहा है। बोले तुम धर्म के मार्ग पर चलते रहना। इस दुनिया में जब मीराबाई थी तो मीराबाई का सम्मान किसी ने किया? बोले मीराबाई के लोग कहते थे कि क्या जरूरत है इस वीरांगना को, रानी बन करके रहना चाहिए, कीर्तन करती रहती है, मजीरे बजाती रहती है, संतों के साथ घूमती फिरती रहती। आज जब मीराबाई जिंदा थी तो किसी ने कदर नहीं करी, पर आज मीराबाई नहीं है तो मीराबाई के भजन पूरी दुनिया गाती। आपके जिंदा समय में आपका कोई सम्मान नहीं करेगा, आपके मरने के बाद ही आपको याद करेगा, जीते जी नहीं करेंगे। जीते जी फूल की माला कभी नहीं पहनाएंगे, उनका मन जो हो तो तुम्हारे कांटे फेंक दे। मरने के बाद फूल की माला भी चढ़ाएंगे, मरने के बाद धूप भी करेंगे। देखो, फूल की माला जीते जी पहना ले जाना चाहिए कि मरने के बाद पहनाना चाहिए? हैं? जीते जी पहना दो तो बढ़िया, मरने के बाद तस्वीर को पहनाने में कोई फायदा नहीं। जीते जी ठंडी हवा दे देना चाहिए, मरने के बाद में कुछ भी कर दो वो किसी काम का नहीं। जीते जी भोजन की अच्छी व्यवस्था हो जाना चाहिए, मरने के बाद तुम्हें मोसर में जलेबी हो या नहीं हो कोई बात नहीं। निवेदन, आज मरने के बाद ही दुनिया समझती। आज सुखदेव जी महाराज ना हाथ जोड़ने वालों की तरफ देखते सीधे चले गए परीक्षित के पास, और जैसे ही परीक्षित के पास पहुंचे परीक्षित ने गुरुजी के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। कैसे प्रणाम किया? दंडवत। दंडवत का मतलब होता है पूरा लोट के प्रणाम करना। ये किसको करना चाहिए? पुरुषों को, माताओं बहनों को नहीं करना चाहिए। कहते हैं स्त्री की अपनी एक मर्यादा होती है, स्त्री साक्षात एक जगदम्बा होती है। कहते हैं कि बहन बेटियों से भी पैर नहीं छुवाना चाहिए। ये जितने भी बहन बेटियां हैं आप सब जगदम्बा का रूप हो, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, हम पहले ही पापी आदमी राक्षस, और ऊपर से आप हमारे धोख दे जाओ तो हम तो पहले से तो खाली पड़े और खाली हो जाते। तो जितने भी बहन बेटियां हैं आपसे निवेदन है कि हाथ जोड़ के जय श्री कृष्णा कर लो, राधे राधे कर लो, पर प्रणाम हमें मत किया करो। हम पापी हैं, दुष्ट लोग हैं, हमारी दुष्टता को और मत बढ़ाओ। आपसे निवेदन है जितनी भी बहन बेटियां हैं दुर्गा का रूप है, एक बार सभी जगदम्बाओं के लिए ताली बजाई। दंडवत प्रणाम का अधिकार किसको है? बोले पुरुषों को है, और पुरुषों को दंडवत प्रणाम करना चाहिए। पर करो तो क्या करो? माताओं बहनों को कैसे प्रणाम करना चाहिए? बोले पल्ला बिछा के, बोले पल्ला बिछा के प्रणाम करना चाहिए।
और पल्ला बिछा करके ही दूर से ही प्रणाम कर लिया जाए, वही प्रणाम है। आज परीक्षित ने किया दंडवत प्रणाम, जब दंडवत प्रणाम किया, आज के समय में पंडित जी हवन करते हैं और हवन करके कहते हैं कि यजमान अपने पिताजी के पैर छू लो। अब जिसने जिंदगी में बचपन से पैर छुए हों वो तो छू ले, पर जिसने बेचारे ने बचपन से नहीं छुए उसे शर्म आवे कि नहीं आवे? शर्म आए, और शर्म क्या आवे, पेंड ही इतनी टाइट है कि झुके तो झुका नहीं जाए, पेंड इतनी टाइट है, बोले झुके तो झुका नहीं जाए, बैठे तो बैठा नहीं जाए। पंडित जी ने कहा प्रणाम कर लो, तो प्रणाम कैसे किया, बोले पिताजी के चरण तक तो हाथ गए नहीं, घुटनों के हाथ लगा के छाती को हाथ लगाए। ऐसा शास्त्र में कहीं लिखा है कि घुटनों को हाथ लगाओ ना छाती को लगाओ? नहीं लिखा। तो इसका मतलब क्या है, बोले इसका मतलब ये है कि वो बेटा यू कह रहा है कि पिताजी आपके ये घुटने थके कि हम छाती घुटना फिर शुरू करेंगे। आजकल तो घुटनों तक भी नहीं जाते, कमर तक जाते, पिताजी की कमर को हाथ झुके अपनी छाती को हाथ झुका। आजकल तो और मामला डिजिटल हो गया, बोले कमर तक भी नहीं झुकते, दूर से ही प्रणाम, बाएं लागू ले ले आशीर्वाद। देखो आशीर्वाद कैसे मिलता है, आशीर्वाद कैसे मिलता है, किसी की सेवा करो तो आशीर्वाद मिलता है, किसी का सत्कार करो तो आशीर्वाद मिलता है। बहुत सारे कहते हैं आशीर्वाद दे दो, किराने की दुकान पर आशीर्वाद नहीं मिलता, बन्नी में नहीं मिलता, बोरी में नहीं मिलता और जेब से निकल के भी नहीं मिलता। बोले आशीर्वाद आप किसी की तन मन से सेवा करोगे, सामने वाले की अंदर आत्मा ही कह देगी कि जा तेरा भला हो तो फिर भला ही होगा। इसलिए तुम्हें जहां बने बड़े बुजुर्गों की सेवा कर दिया करो, गुरुजनों को चरण स्पर्श कर दिया करो, साधु संतों का सत्कार कर दिया करो। अगर उनकी अंदर की आत्मा ने दुआ दे दी कि जा तेरा भला हो तो फिर गारंटी है कि तुम लंका में जाकर भी लंका को आग लगाने में सक्षम हो जाओगे और वापस आ भी जाओगे। ये कृपा होती है आशीर्वाद की, और आशीर्वाद के बल पर ही सब काम होते हैं। आज कहते हैं कि अंत दुगतवान रूपेण, जब प्रणाम किया तो प्रणाम जब बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आज प्रणाम करने की विधि धीरे धीरे बदलती जा रही है, निवेदन बहुत अच्छी बात है। कुछ परंपराएं ऐसी हैं जिन परंपराओं में आप काम कर रहे हो और काम करते करते आपके हाथ गंदे हैं, आप कहीं काम कर रहे हो तो दूर से भी ये कह सकते हो कि पाए लागू, और जब मजबूरी होती है सामने वाला भी रास्ते में जा रहा तो दूर से भी प्रणाम हो सकता है। बाबा जी पाए लागू भी कह सकते हैं, सामने वाले आशीर्वाद भी दे सकते हैं। कई प्रकार की परंपरा हमारे देश में है। आज कहते हैं कि प्रणाम किया और प्रणाम करके गुरुदेव से प्रार्थना करी कि हे गुरुदेव कृपा करके अपना हाथ मेरे माथे पर रख दीजिए, क्योंकि व्याकुल हूं अव्यवस्थित हूं, एक गुरु के गले में सांप पहनाया है, ब्राह्मण का अपराध किया है, पापी हूं, और हे गुरुदेव कृपा करके मुझे अपने चरणों में स्थान देने की कृपा करो। आज गुरु कहने लगे कि हे परीक्षित क्यों इतनी चिंता करता है। तब आज प्रार्थना करने पर गुरुदेव ने माथे पर हाथ रखा, जैसे ही माथे पर हाथ रखा तो परीक्षित की जो चिंता थी वो समाप्त हो। कहते हैं जीवन में एक ऐसा आशीर्वाद दाता, एक ऐसा गुरु, एक ऐसा पिता, एक ऐसा भाई, एक ऐसा मित्र जरूर होना चाहिए जो तुम्हारे दुख के समय में कहते कि चिंता मत कर मैं बैठा हूं। आज गुरु जी ने माथे पर हाथ रखा और कहते हैं कि पुण्यात्मा व्यक्ति का हाथ अगर माथे पे आ जाए, कई लोगों के हाथों ने अपवित्र काम ही किए हैं, और कुछ हाथ ऐसे हैं दुनिया में जिन्होंने पुण्य ही पुण्य किए हैं, हवन ही हवन किए हैं, माला ही माला की। अब अपन है इंसान, अपन से ये काम बनता नहीं, अगर इतना सब अपन से नहीं हो सके तो किसी गुरु का हाथ माथे पर रखवा लो, किसी तपस्वी का हाथ माथे पर रखवा लो, क्योंकि वो बड़े हरिओम हरिओम जय हो। ये बिजलियां ऐसे ही चमकती, हाँ बोलिए बीज माता की। आज कहते हैं कि अगर गुरु का हाथ माथे पर हो तो इंसान भव सागर से पार हो जाता है। आज परीक्षित ने गुरु जी से प्रार्थना करी, गुरु जी ने माथे पर हाथ रखा, जब गुरु जी ने माथे पर हाथ रखा संतुष्टि महसूस हुई और प्रार्थना करी कि हे गुरुदेव
जिसकी मौत 7 दिन में हो उसे क्या करना चाहिए, कृपा करके बताइए। तब गुरुजी कहते हैं कि जिसकी मौत 7 दिन में हो उसे श्रीमद् भागवत कथा सुनना चाहिए। सभी से निवेदन, अपने अपने हाथ जोड़ें, मेरे साथ भागवत जी का पहला श्लोक हो सके तो बोलें, नहीं बोल पाए तो हाथ जोड़ करके भगवान भागवत का ध्यान करें। सचिदानंद रूपाय, सचिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे, विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय, तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः, श्री कृष्णाय वयम नमः। वसुदेवसुतम, वसुदेवसुतम कंसचारूढमर्दनम, कंसचारूढमर्दनम देवकी परमानंदम, देवकी परमा कृष्णं वंदे जगद्गुरु, कृष्णं वंदे जगद्गुरु। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो, राधामल्लभ सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सचिदानंद रूपाय, पहले श्लोक का अर्थ है सत्य चित्त और आनंद का जो रूप है। इस जगत में सत्य कौन है? अपना शरीर सत्य है? नहीं, असत्य है। ये टेंड सत्य है? ये लाइट सत्य है? ये जो बोल रहा है ये सत्य है? बोले कुछ भी सत्य नहीं है। आप और हम सब आज हैं, कल नहीं, पर परमात्मा कल भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा, वही सत्य है। बोलिए सत्यनारायण भगवान की। सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी है? सुनी। सतनाम भगवान की कथा में कथा आती है सेठ जी की, लीलावती की, कलावती की, पंडित जी की, राजा तुंग ध्वज की। इन सब की 5वें अध्याय में कथा आती है कि ये सब के सब मरे और मर करके ये परमात्मा की भक्ति इन्होंने करी। अर्थात सतनाम भगवान की कथा ये कह रही है कि चाहे तुम सतानंद जी हो, चाहे तुम उल्कामुख नाम के राजा हो, चाहे तुम लीलावती हो, कलावती हो, चाहे तुम तुंग ध्वज हो, चाहे तुम कोई भी क्यों ना हो, 5वां अध्याय ये कह रहा है कि मरना ही मरना है और एक दिन भगवान के वहां जाना। अर्थात सत्य कथा का मतलब ये होता है कि व्रत रह लो, सतनाम भगवान के 5 अध्याय पढ़ लो, आरती कर लो और हलवा जीम लो, यही काम नहीं बना। अर्थात सत्य को जानना कि एक दिन हमें मरना है, यही सत्य कथा है। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय हो। आज सत्य चित्त इस दुनिया में अगर सत्य कोई है, चित्त कोई है और आनंद का दूसरा नाम अगर कोई है तो वो परमात्मा है। ऐसे भगवान जो सृष्टि का निर्माण करते हैं और समय आने पर सृष्टि को खत्म भी कर देते हैं, ऐसे भगवान के चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। आज श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ हुई। परीक्षित ने प्रश्न पूछा कि गुरुदेव मेरे मन में कुछ प्रश्न है। बोले क्या प्रश्न है? बोले पहला प्रश्न, इस दुनिया में जब कोई नहीं था तो कौन था? दूसरा प्रश्न, भगवान ने माया क्यों बनाई? तीसरा प्रश्न, गुरुदेव मेरे साथ ऐसी घटना क्यों घटी? तब सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि हे राजन, आप छोटे थे, आपके घर गुरुजी आए और गुरुजी जब आए तो गुरुजी का नाम बड़े ही क्रोधी ऋषि, समय समय पर श्राप देने वाले, और भागवत कथा में तो श्राप देने की जिनको फैक्ट्री कही गई है, ऐसे ब्राह्मण देवता आए, गुरुजी को आसन दिया, एक नकली सांप से आप खेल रहे थे। कैसे खेल रहे थे? नकली सांप से। सबके ऊपर सांप फेंकते और कहते सांप आया, सांप आया। वो का वही सांप दुर्वासा ऋषि के ऊपर फेंका। जैसे दुर्वासा ऋषि के ऊपर फेंका, दुर्वासा ऋषि थोड़ी देर के लिए डर गए और डर करके श्राप दे दिया कि तू क्या मुझे नकली सांप से डराता है? तेरी मृत्यु ही सर्प के दंश देने से होगी। आज धर्मराज चरणों में गिर गए, अर्जुन चरणों में गिर गए, भीम चरणों में गिर गए। बोले हे गुरुदेव, ये तो बालक है, बच्चा है, गलती हो जाती है। तब कहने लगे कि ब्रह्म वाक्यम जनार्दनम यत पूजितम मया देवम ग्रहणम परमेश्वरम। ब्राह्मण के मुख से अगर एक बार आशीर्वाद निकल गया तो वो भी सत्य है और श्राप निकल गया तो वो भी सत्य है, उसे कोई मिटा नहीं सकता। आज दया करी और कहा कि मौत तो सर्प के दंश देने से ही होगी, पर इतिहास के पन्नों में परीक्षित की मौत का वर्णन हजारों बार किया जाएगा, इतनी प्यारी इनकी मौत होगी।
आज हे परीक्षित, वही दुर्वासा ऋषि का श्राप फलीभूत हुआ है और बचपन की उसी गलती का फल आज भुगतना पड़ रहा है। जीवन में बचपन की बहुत सारी गलतियों का खामियाजे व्यक्ति को जीवन भर भुगतना पड़ता है, जीवन भर। इसलिए निवेदन, बाल्यकाल में भी हमसे कोई गलती ना हो, इसीलिए माता पिता और गुरु की बात को माना जाए, जो वो कहें उस सीमा में बने रहेंगे तो कोई अपराध नहीं होगा। पर बचपन चला जाता है, बचपन के साथ दादा दादी चले जाते हैं, नाना नानी चले जाते हैं, माँ बाप चले जाते हैं, पुरानी यादें सिर्फ याद रह जाती है। सिर्फ ये बचपन ही ऐसा है जो आनंद मंगल वाला, बड़े होने के बाद तो टेंशन ही टेंशन। बचपन में बड़ा आनंद रहता, कहीं भी बैठ जाओ नींद बिस्तर पे ही खुलती, कपड़े कितने भी गंदे कर लो साफ सुथरे ही मिलते, जीवने चोटने की और पानी पीने की भी जिस समय चिंता नहीं रहती, उसी का नाम बचपन है। आज परीक्षित को अपना बचपन याद आया। अरे बचपन चला गया, अरे जवानी चली गई, और जिंदगी की कीमती कहानी चली गई। अरे वो लाड़ी रो पानी वो, अरे खेजड़ी वाली छाया, अरे जिन आंचल में बड़ा हुआ, अरे वो रिश्ता हुआ पुराना। अरे बाबा घर छोड़िया और माँ भी चली गई, और जिंदगी की कीमती कहानी चली गई। अरे जिन हाथारी मार थी मीठी, अरे जिन आचल रो सायों, अरे पाल पोस कर बड़ा किया और अपनों धर्म निभायो। अरे दादी नानी री एवा कहानी चली गई, अरे वो जिंदगी की कीमती कहानी चली गई। जितने भी दादा दादी थे, नाना नानी थे, क्या वो अब रहे? नहीं रहे। किसी की माँ चली गई, किसी के पिता चले गए, किसी की दादी चली गई, नानी चली गई, बचपन की कहानी चली गई। कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो याददाश्त बन जाते हैं, इसलिए जब तक वो पास में है उनकी कदर कर लो। मरने के बाद तुम कितने ही जतन कर लो, जो चले जाते हैं वो वापिस नहीं आते। इसलिए मरने के बाद याद करें उससे अच्छा है कि जब वो जिंदा हैं तभी उनको समय दे दिया जाए। अगर माँ बाप हैं तो माँ बाप को समय दे दिया जाए, दादा दादी हैं तो उनको समय दे दिया जाए। दुनिया का हर रिश्ता आपसे कुछ ना कुछ चाहता है, पर आपके आशीर्वाद दाता आपका सिर्फ समय चाहते हैं। उनके पास बैठ जाओ, इतने में ही वो राजी हो जाते हैं। आज परीक्षित को अपनी बचपन की गलती के बारे में मालूम पड़ा। तदुपरांत दूसरा प्रश्न ये है कि जगत में कोई नहीं था तो कौन था? तो उत्तर मिला कि जगत में जब कोई नहीं था तो आद्य शक्ति माँ भवानी थी। बोलिए जगदम्बे मात की जय। जगदम्बा को जगदम्बा क्यों कहते हैं? बोले इसलिए कहते हैं कि जब जग में कोई नहीं था तो सिर्फ एक ऐसी अम्बा थी जो जगत की जननी थी। बोलिए जगदम्बा महारानी की जय। आज माँ जगदम्बा के द्वारा विष्णु का प्रादुर्भाव हुआ। बोलिए विष्णु भगवान की। विष्णु की नाभि से कमल निकला, कमल के ऊपर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। बोलिए ब्रह्मा भगवान की। कहते हैं ब्रह्मा ने देखा कि चारों तरफ जल ही जल है। जब चारों तरफ जल ही जल देखा, मन में विचार आया, मुझे जन्म देने वाला कौन है, मेरे माता पिता कौन है और मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? तब आकाशवाणी होती, हे ब्रह्मा तपस्या करो, तपस्या करो, तपस्या करो। तब ब्रह्मा जी ने अनेक वर्षों तक तपस्या करी और तपस्या करने के बाद आदेश मिला कि तुम्हें सृष्टि का क्रम प्रारंभ करना। आज पता चला कि तुम्हारे पिता कौन है? बोले ब्रह्मा के पिता है विष्णु, और विष्णु को जन्म देने वाली कौन है? बोले आदि शक्ति माँ भवानी। बोलिए जगदम्बे मात की। जब दुनिया में कोई नहीं था, चारों तरफ जल ही जल था, तब आदि शक्ति माँ जगदम्बा थी। आइए माँ जगदम्बा का एक प्यारा सा भजन गाते हुए आप और हम सब आगे बढ़े। जयकारा शेरा वाली दा बोल सांचे दरबार की जय। आज
माँ जगदम्बा से प्रार्थना करी। अरे छमक मंदरिया में, अरे नाचे रे ज्वाला मारी छमक मंदरिया में। हमारी माँ जगदम्बा के अनेक रूप हैं, कभी वो महाकाली बन जाती है, तो कभी वो यशोदा बन जाती है, तो कभी वो देवकी बन जाती है। आइए माँ जगदम्बा से प्रार्थना करें। कौन कौन माता जी को मानता है? सब मानते हैं, बाकी जिनने हाथ ऊपर नहीं किया वो देखो, जो इलाज डॉक्टर भी नहीं कर पाता, लकवे का इलाज डॉक्टर कर सकता है? नहीं कर सकता। जब लकवा आता है तो कोई स्पेशलिस्ट काम नहीं आता। बोले माँ जगदम्बा के दरबार में जीव जाता है, शरण में बैठ जाता है और मेरी माँ जगदम्बा दुखड़े हर लेती है। बोलिए दुदा घिड़ी मात की, विजासन मैया की, हर सिद्धि मैया की। आइए उन्हीं जगदम्बा को मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए? है जी, डॉक्टर साहब के पास जाओ तो फीस देनी पड़ती और माँ के पास जाओ तो कुछ नहीं देना पड़ता, बबूत से ही काम हो जाता है। तो इसी जगदम्बा को प्रणाम नहीं करें तो किसको प्रणाम करें? आइए आनंद के साथ। अरे छमक मंदरिया में नाचे रे ज्वाला मारी छमक मंदरिया में। निवेदन माताओं बहनों से भी, हृदय वालों से भी, आनंद के साथ नाचते हुए झूमते हुए बोल जगदम्बे मात की। अरे छमक मंदरिया में नाचे रे ज्वाला मारी छमक मंदरिया में। अरे नाचे रे माता जी बेगी बेगी आजा, आजा रे माता मंदरिया में। अरे माता जी बेगी बेगी आजा रे मंदरिया में। अरे लडवारो भोग अरे लागे रे ज्वाला मारी लाडवारो भोग नाचे रे तो बेटे उधार
बेला के भाई मंदिर दारो प्यारो बेड़ो लागी हो बोलिए जगत जननी अंबिका महारानी की हरस्वती मैया थारो साचो दरबार है अरे नवरात्रा में आवे मैया भीड़ अपार है नवरात्रा में आवे मैया भीड़ अपार है साचो दरबार है मां साचो दरबार है साचो दरबार है मां साचो दरबार है अरे नाचे रे ज्वाला महारानी की माँ करणी माता की दुदा घेड़ी मात की केसर बाई महारानी की जय कारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय हरि ओम श्राधे भंवरदास इनकी तरफ से 15 किलो तेल पोटलिया वाले की तरफ से जमा हो चुका है भागवत मैया इनकी मनोकामना पूर्ण करे बोले भागवत महापुराण की जय उसी के साथ में बापू सिंह जी पिता फतेह सिंह जी की तरफ से 25 किलो शक्कर पोटलिया वाले की तरफ से ये भी जमा हो चुकी है भागवत मैया इनकी मनोकामना पूर्ण करे बोले भागवत महापुराण की जय साथ ही भगवान दास इनकी तरफ से 25 किलो शक्कर पोटलिया वाले की तरफ से भागवत मैया भंडारे में दान दिए जा रहे भागवत मैया इनकी मनोकामना पूर्ण करे भोले भागवत महापुराण की जय साथ ही रामचंद्र जी सेन इनकी तरफ से 25 किलो शक्कर भंडारे में दान दिए जा रहे भागवत मैया इनकी मनोकामना पूर्ण करें साथ ही राधेश्याम जी दास इनकी तरफ से 25 किलो शक्कर भंडारे में दान दिए जा रहे भागवत मैया इन सभी की मनोकामना पूर्ण करे भोले भागवत महापुराण की जय एक बार इन सभी दानदाताओं के लिए जोरदार ताली बजाई कहते हैं कि दान करने वाले अनेक प्रकार के होते बोले कोई कैसे दान करता कोई ऐसे दान करता हमारे जो ढोलक बजा रहे हैं इन्होंने एक दिन सोचा कि गुरुजी की भागवत जी पे सब दक्षिणा चढ़ाते हैं तो अपन भी चढ़ाएं तो एक दिन ये ढूंढ करके 10 का सिक्का लाए और मन मार के विचार करते रहे 1-1.5 घंटे तक कि चढ़ाऊं कि नहीं चढ़ाऊं जब भजन कीर्तन सब पूरा हो गया तो मुट्ठी में 10 का सिक्का निकाला और मुट्ठी में निकाला थोड़ी देर बैठे रहे अब मुट्ठी को खोला तो पसीना हो गया सिक्के को देख करके कहने लगे कि तू रो रहा है नहीं चढ़ाऊं तेरे को वापस जेब में भर लिया तो ऐसे ऐसे दानदाता भी हमारे मंच में विराजमान है ये तो 20 है बोलिए सत्य सनातन धर्म की आज श्री सूत जी महाराज वर्णन करते हैं कि हे ऋषियों
सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत कथा सुनाई। परीक्षित को बताया कि हे परीक्षित, जब जगत में कोई नहीं था तब आद्य शक्ति भवानी थी। माँ भवानी के द्वारा विष्णु आए, विष्णु के द्वारा ब्रह्मा आए और ब्रह्मा ने करी तपस्या, सृष्टि का निर्माण करना शुरू हुआ। जब सृष्टि का निर्माण होना शुरू हुआ तो सर्वप्रथम इस पृथ्वी पर जन्म देने के लिए आसन नहीं था। आसन मतलब धरती को लेकर के एक राक्षस अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, पाताल लोक में गया और पाताल लोक में पृथ्वी को लाकर के बैठ गया। भगवान ने उस समय रूप बनाया, वाराह अवतार का, बोलिए वाराह भगवान की, वाराह का भगवान ने रूप बनाया। अतल वितल सुतल महातल तलातल रसातल पाताल लोक में गए और हिरणाक्ष का प्राणांत करके मेरे भगवान आज पृथ्वी को लाके ब्रह्मा जी को दे दी। बोलिए ब्रह्मा भगवान की। पृथ्वी की स्थापना हुई। अब पृथ्वी की स्थापना हो गई, सृष्टि का क्रम कैसे बढ़े? तो ब्रह्मा जी ने अपने आधे शरीर से पुरुष प्रकट किया, आधे शरीर से स्त्री प्रकट कर, जो इस दुनिया का पहला पुरुष, बोलिए मनु महाराज की, जो पहली स्त्री इस दुनिया की थी उनका नाम था सतरूपा महारानी। बोलिए सतरूपा महारानी की। दुनिया का पहला पुरुष मनु महाराज, पहली स्त्री सतरूपा महारानी। आप और हम सब उन्हीं मनु और सतरूपा के द्वारा इस जगत में आए। कहते हैं मनु सतरूपा ने विवाह किया, विवाह करके तीन कन्याओं का जन्म दिया, आकृति, देहूति और प्रसूति। दो बेटों का जन्म हुआ, एक का नाम है प्रियव्रत और एक का नाम है उत्तानुपात। वही वंश धीरे धीरे आगे बढ़ा। मध्य प्रदेश की हर एक यूनिवर्सिटी में आठवीं की पुस्तक में प्रश्न आता है डार्विन का सिद्धांत, डार्विन का सिद्धांत। और डार्विन के सिद्धांत में डार्विन ने सृष्टि के क्रम की कथा को बताया। आज डार्विन ने कहा कि मनुष्य का निर्माण कैसे हुआ है? बोले मनुष्य का निर्माण हुआ है बंदरों से। ये किसका कहना है? डार्विन वैज्ञानिक का। उसका ये कहना है कि मनुष्य का निर्माण हुआ है बंदरों से। बंदर धीरे धीरे चारों पैरों पर चलता था, दो पैर बन गए, दो हाथ बन गए, पूंछ कट गई, बाल झड़ गए, धीरे धीरे मनुष्य हो गया। अब विज्ञान कह रहा है कि मनुष्य का निर्माण बंदरों से हुआ और भागवत कथा कह रही है कि मनुष्य का निर्माण मनु महाराज से हुआ। किसकी बात मानोगे है जी? किसकी बात मानोगे? अपने अपने हिसाब से मान लेते। अगर डार्विन की मानो तो अपन सब बंदरों की औलाद, भागवत जी की मानो तो अपन सब ब्रह्मा जी की औलाद। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अपने अपने मते के अनुसार सोच लेना। देखो आप और हम सब बंदरों से नहीं, बोले आप और हम सब ब्रह्मा से प्रकट हुए हैं, विष्णु से प्रकट हुए हैं, जगदम्बा से प्रकट हुए हैं। तो विचार करिए, जगदम्बा का बेटा कोई उल्टे काम कर सकता? विष्णु का बेटा उल्टे काम कर सकता? मनु महाराज का बेटा उल्टे काम कर सकता है? बोले नहीं। और सबकी छोड़ो, मैं किसी चौराहे पे खड़ा खड़ा सिगरेट पी सकता हूँ? हुक्म पी सकता हूँ? चौराहे पे खड़ा खड़ा किसी को गाली दे सकता हूँ? नहीं दे सकता। क्यों नहीं कर सकता? इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि हमारे पिताजी को जैसे कर्म करके गए हैं कि अगर हम उल्टे कर्म करें भी सही तो लोग हमें यूं कहे कि फलाने पंडित जी की औलाद है पर बिगड़ गई। उनके नहीं रहने के बाद भी हम उल्टे काम नहीं कर सकते, ऐसा उनका किरदार था। पहले खुद सुधरो तो जग अपने आप सुधर जाए, पर करे तो क्या करे? बोले खुद तो बीड़ी पिएंगे पर छोरो जो पी ले तो बड़े मारे। खुद शीशी पिएंगे, मंगाएंगे किससे? बोले मंगाएंगे भी उससे कि जा क्वार्टर लिया, साथ में पेश के पिएंगे भी सही। तो जो बीड़ी लाएगा उसके मन में कभी इच्छा होगी कि नहीं होगी कि अपन भी एक फोन ले लो? नहीं होगी इच्छा। बोले मीठी लगे के खट्टी लगे के खारी लगे के कैसी लगे बीड़ी, एक बार अपन भी तो फूंक लो। अर्थात जीवन में ऐसा काम कभी ना करें। बोले ऐसा जिंदगी जी करके जाएं कि तुम्हारे मरने के बाद भी तुम्हारे वंशज गलत करें तो उनको अपने आप शर्म आ जाए। तो ऐसी हमारी कहानी होनी चाहिए। हम रहे ना रहे, हमारे संस्कार विद्यमान रहना चाहिए कि कोई उल्टे कर्म करे उससे पहले 10 बार विचार करें। आज मनु महाराज के वंश आगे बढ़ा, प्रिव्रत उत्तानुपात के वंश में जाकर आगे जाकर के ऋषभ देव जी महाराज का जन्म हुआ। बोलिए ऋषभ देव जी महाराज की। ऋषभ देव जी महाराज ने जैन धर्म का संचालन किया।
कई लोग कहते हैं कि जैन धर्म हमारे धर्म से अलग है, बोले बिल्कुल नहीं। एक ही पेड़ के फल है हम सब, एक ही पेड़ के फल है हम सब, अरे एक के बाद ही डाली डाली। पेड़ का बीज एक ही होता, उसमें से पेड़ निकलता है, कई तने निकलते हैं, कई शाखाएं निकलती है, और जैन धर्म सनातन धर्म की ही शाखा है, वो हमारे ही भाई हैं, हमारा ही अंश है। इसलिए अपने भाइयों से कभी भी दुश्मनी नहीं करनी, जैन धर्म हमारा ही धर्म है। आज जैन धर्म का संचालन किया, कहते हैं कि उन्हें ऋषभ देव जी के वंश में आगे जाकर भरत नाम के राजा जन्मे। बोलिए भरत जी महाराज की जय हो। इतने प्रतापी राजा कि जिनके जन्म होने पर इस देश का नाम पहले था अजनाम खंड। क्या नाम था? अजनाम खंड। बोलो एक बार क्या नाम था? अजनाम खंड। जिस देश का नाम अजनाम खंड था उस भारत, उस देश का नाम पड़ गया भारत खंड। बोलिए भारत माता की। आपने कभी सुना पाकिस्तान माता है जी, रूस मासी जी, ऑस्ट्रेलिया बुआ जी है जी, नहीं सुना। एक भारत ही एक ऐसा देश है जिसको माता का दर्जा प्राप्त है। जितने भी देवता आए कहां आए? भारत की भूमि पे आए। अपने तो पोलिया महाराज भी पाकिस्तान में नहीं। हाँ, पोलिया महाराज भी पाकिस्तान में होते तो बॉर्डर पे जाके लड़ाई करते कि मां के पोलिया पूजना है आवादों में। पर करो क्या, अपने तो जितने देवता है सब के सब भारत की धरती पे। भगवान के कुल अवतार हैं 23 अवतार हो चुके हैं, 24वां कलयुग के अंत में होगा। 23 के 23 यही जन्मे और 24वां कलंकी अवतार भी उत्तर प्रदेश में ही होगा। अर्थात एक भी देवता विदेश में नहीं गए, सब के सब भारत में आए। कारण क्या है? क्या पूरी सृष्टि तो भगवान की नहीं है? बोले भगवान की है, पर भारत की जो भूमि है ये बड़ी पवित्र है, इसलिए भगवान जब भी आते हैं तो भारत की भूमि पर ही आते हैं। आप और हम सब धन्य हैं जो भारत की धरती पर जन्म हुआ। अगर भगवान पाकिस्तान में जन्म दे देता तो बोले कंसुरे गाते, उनके ना राग है ना ताल है, और तो और छोड़ो उनके देवता का उनको सही साठ अभी तक नाम भी मालूम नहीं। नाम छोड़ो, उनके पास अभी तक उनके देवता की फोटो भी नहीं। अपने तो देवताओं की फोटो भी चका चके। अनेक देवता है, अनेक नाम है। बेरू महाराज राजी नहीं हो तो सगस महाराज राजी, सगस महाराज राजी नहीं हो तो देवनारायण राजी, देवनारायण राजी नहीं हो तो भोलेनाथ राजी, भोलेनाथ भी राजी नहीं हो तो महादेव, महादेव राजी नहीं हो तो विष्णु भगवान, विष्णु भगवान राजी नहीं हो तो ब्रह्मा जी। बोले कितने देवता है? बोले अपने पास ऑप्शन बहुत सारे हैं, और कई लोगों के पास बेचारों के पास एक ही देवता, और उसका भी नाम फोटो का आज दिन तक अता पता है ही नहीं। नाम उनका है ऊ। क्या नाम है? ऊ। एक बार की बात, लड़ाई हुई तब से ढूंढ रहे कि उन देवता गए कहां, बोले आज दिन तक मिले ही नहीं। आज कहते हैं कि भारत की धरती पर जन्म मिला और भारत की धरती पर ही सारे देवता आते हैं, और आप हम से पुण्यात्मा लोग भी भारत में जन्मे, इससे बड़ी सौभाग्य की बात अपने लिए क्या हो सकती है। भगवान से ये प्रार्थना कि जब भी मिले तो भारत की भूमि ही मिले। और जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। बोलिए भारत माता की। जिंदगी में जिनको भारत वतन मिला उठा लो दोनों हाथ और मीठी मीठी ताली के सेवा बोल भारत माता की जय हो।
जहां मधुर बसरिया आज बजाए, अरे श्याम ये सुंदर मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। आज भरत नाम के राजा ने जन्म लिया, देश का नाम अजनामगढ़ था, भारतगढ़ पड़ा। इतना प्रतापी राजा, रथ के पहिए चलते थे तो नदियां बन गई। आज जीवन भर व्यतीत किया। राजा भरत की उम्र हो गई 50 साल। कितनी हो गई? 50 साल। 50 के बाद कितने आते हैं? 50 के बाद कितने आते हैं? 51 के बाद, थोड़ा जोर से, 52 के बाद, 53 के बाद, 54 के बाद, 55 के बाद, 56 के बाद, 57 के बाद, 58 के बाद, 59 के बाद। अगर घर में कोई बल्ब हो और वो चल नहीं रहा हो तो क्या कहते हैं कि ये बल्ब तो 60 हो गया। अर्थात जिंदगी अगर 60 साल की हो जाए तो समझ लो बल्ब 60 है। 60 साल की उम्र के बाद तो सरकार भी पेंशन शुदा कर देती है कि अब नौकरी करने लायक जैसे नहीं रहे हो, बोले अब क्या करो, बोले अब पेंशन लो, घर बैठो। अर्थात अगर जिंदगी के 60 साल चले जाएं तो 60 साल के बाद अपने आप को 60 ही मानो, 50 के बाद जैसे 51 हो घर में रहो, पर मन को धीरे धीरे वन की तरफ गमन कर। एक बार मार साहब की स्कूल में पढ़ा रहे, दो एकम दो दो दुनी, अरे प्रेम से बोलो मैया जी की जय जयकार। अब मार साहब की आदत पड़ गई भजन करने की, रात में भजन संध्या करे, रात में भजन संध्या करे, दिन में बच्चों को पढ़ा। अब जो रात में जागे उन्हें दिन में नींद आवे कि नहीं आवे? आवे। अब मार साहब स्कूल में पढ़ावे तो कुर्सी पे नींद निकाल। एक दिन स्कूल की चेकिंग करने वाले आगे, मार साहब कुर्सी पे बैठे बैठे सो रहे। आगे वाले मार साहब जो आए चेक करने के लिए, उन्होंने कहा ऐसे बच्चों को पढ़ा रहे हो तुम? मार साहब भी होशियार के थे, होशियार थे, रहे होंगे पोटलिया गांव के या गुड़बेली के। कहने लगे देखो कुंभकर्ण कैसे सोता है, मैं बच्चों को बता रहा था कि कुंभकर्ण ऐसे सोता है। तो अगर मेरे को भी आज नींद आ जाए तो आप यूं समझ लेना कि मैं तुमको बताना चाह रहा हूं कि कुंभकर्ण कैसे सोता। एक बार दोनों हाथ उठा के प्रेम से क्या बोलेंगे? जोर से बोलेंगे और जोर से। आज अंध दुगतवान रूपेण भरत जी महाराज जंगलों में गए और जंगलों में जाकर के भगवान के भजन करने लगे। जब जंगलों में जाकर भगवान के भजन करने लगे, कटी तक के जल में खड़े हुए, सूर्य को प्रातः काल अर्घ दे रहे, ओम भास्कराय नमः, सहस्र किरणाय नमः, तरुणो सूर्य प्रचोदया, सूर्य देवता को जल चढ़ा रहे, उसी समय घटना घटी। एक गर्भवती मृगनी जो नदी के इस पार से उस पार छलांग लगाने आई, शेर ने दहाड़ा और शेर की दहाड़ की वजह से वो मृगनी मर गई। पर उस मृगनी का जो प्रसव था वो पानी में गिर गया। और कहते हैं कि प्रायः 4 पैर के जानवर जन्म लेते ही तैरना जानते, जन्म लेते। आज पानी में वो नन्ना सा मृग का बच्चा झटपटाने लगा। भरत जी ने सोचा जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। सूर्य देवता को प्रणाम किया, मृग के बच्चे को हथेली में उठा लिया। अब माला करे तो ध्यान उस मृग के बच्चे में रहे कि कोई उसको खा नहीं जाए, कोई उसको मार नहीं दे, कोई उसको खा नहीं जाए, कोई उसको मार नहीं दे। कहते हैं कि भरत जी महाराज आए तो भगवान का भजन करने थे, पर मृग के बच्चे में आसक्ति हो गई और कहते हैं कि मौत आ गई। और जैसे ही मौत आई, मौत जिस घड़ी में आई उस घड़ी में उस मृग के अंदर ही मन था। तो कहते हैं कि अंत मति सो गति, अंत समय में जैसी मति होगी भगवान वैसी ही गति देंगे। आज भरत जी महाराज मरे और मर करके मृग योनि में चले गए। ये कथा हमें शिक्षा देती है कि अंत समय में अगर हमारा ध्यान भी मृग में रहा तो मरने के बाद मृग बनना पड़ेगा। अगर हमारा ध्यान भी भैंसों में रहा तो उसी घर की भैंस बन के जन्म लेना पड़ेगा।
दूध नहीं देंगे तो मारेंगे भी सही। हाँ, खड़ खिलाए नहीं खिलाए पर दूध जरूर निकाले। हाँ, अगर जो ध्यान गेहूं में रह गया तो उसी घर में चूहे बन के जन्म लेना पड़ेगा। अगर जो ध्यान तिजोरी में रह गया तो उसी घर में फण लेकर के घूमना पड़ेगा। अर्थात जीवन में अगर मुक्त होना है तो किसी में भी ज्यादा ध्यान नहीं रखना। भरत जैसा राजा जिसके नाम पर इस देश का नाम है भारत, उस राजा को पशु बनना पड़ा तो हम भी अधोगति को जा सकते कि नहीं जा सकते। इसलिए निवेदन कि जिंदगी बड़ी कागज की जैसी है, कभी भी फट सकती है। इसलिए प्रार्थना ये है कि हमेशा भान रहे कि भगवान सत्य है और भगवान ही सब कुछ। आज भरत जी महाराज कहते हैं कि मृग योनि में गए, मृग योनि में जाने के बाद मरे, फिर से एक ब्राह्मण के घर पे जन्म मिल गया। जब ब्राह्मण के घर जन्म मिला, पूर्व जन्म का सब कुछ जानकारी थी, और जब पूर्व जन्म की सब जानकारी थी, एक दिन की बात, भाइयों ने कहा कि तू कुछ काम तो करता नहीं है, खेत की मेड़ पे बैठ जा और पशु पक्षियों को भगाता। तो भरत जी महाराज मस्त होके पशु पक्षी को भगाते। अरे कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, ए कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना। जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा, जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना समझ लो प्यारे की जबरदस्ती जिंदा है। उठा के दोनों हाथ परमा के बिहारी लाल की। पांच तत्व का इसमें बोले मेरी मीना, क्या बोले मीना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, मस्ती के साथ। चरणन में लिपट रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना। कहत कबीर सुनो भाई साधु, अरे गुरु चरणों से अरे लिपट रहना, अरे कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना। बड़ा प्यारा भजन है, पर देखो कुछ लेना ना देना मगन रहना। इस जीवन में वही मस्त है जिसको कोई हिसाब किताब रखना नहीं पड़ रहा, जो हिसाब किताब रख रहा है वो टेंशन में है। पर कुछ लेना ना देना मगन रहना, इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ दूसरों को दे देना। हाँ, अगर जो दूसरों को दे दिया तो बुढ़ापे में जब आरती कथा में आओगे तो यूं कहना पड़ेगा कि बेटा मेरे को 2 रुपए दे दे, मैं आरती में चढ़ाऊं रे मेरे लाल, तो बेटा कहेगा खुल्ले नहीं है। देखो जब तक इंसान के पास संपत्ति होती है तब तक तो वो दान करता नहीं, जब दान करने की इच्छा होती है तब रेती नहीं, स्थिति ये हो जाती है। तो निवेदन, अगर चाहते हो कि बुढ़ापे में किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़े तो अपने घर में एक पेटी जरूर रखो। पेटी क्या रखो? पेटी। और उस पेटी में कुछ ना कुछ जरूर रखो। और फिर भी अगर पेटी है और रखने के लिए कुछ रहा नहीं, जिंदगी निकल गई, तो जो बूढ़े होने वाले हैं वो तो रख लेना, पर जो हो गए उनके लिए एक बहुत अच्छी व्यवस्था है। एक काम करना, पेटी ले लेना 500-700-1000 रुपए तक की, उसके लिए एक ताला ले लेना 200-300 रुपए का, उस पेटी में भर लेना एक बट्टा। क्या भर लेना?
बाटा भर लो, उस पेटी के रोज ताला खोलो, रोज लगाओ। कोई पूछे कि दादी जी इस पेटी में क्या है, तो कह देना कि बेटा मेरी जिंदगी भर की कमाई इस पेटी में। बोले ये पेटी का ताला कौन खोलेगा? बोले जो मेरी सेवा करेगा वो इस ताले को खोलेगा। तो और कुछ हो ना हो तुम्हारी सेवा जरूर हो जाएगी। इसलिए प्रार्थना है कि जीवन में बोले तुम्हारे पास भाटा भी हो तो भी रखना, वो भाटा भी तुम्हारी सेवा करा। अगर तुम्हारे पास जो कुछ भी नहीं हो, दादी माँ के जो हाथ में टड्डा हो, सोना हो, चांदी हो, कड़े हो, तो दादी माँ के पैर छूने में बढ़िया लगता है कि हाँ मरेंगे तो अपनी निकालेंगे। तो निवेदन, कुछ खानदानी लोग ऐसे होते जिनको संपत्ति से कोई काम नहीं, पर व्यवस्था साथ में हो। जमाना बड़ा खतरनाक है, बड़े लेवल का है, इसलिए कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए जो तुम्हारी सेवा कराता है। अगर कुछ जो नहीं होगा नहीं, तो तुम पूछोगे कि बेटा कैसे हो, तो कहेंगे दादी माँ अकल नहीं है, बोलो मत, ये बात सामने से मिलेगी। इसलिए निवेदन, अपने पास कुछ ना कुछ जरूर रखा करो। मैं यहाँ कोई वाड़ा बगाड़ू बात करने नहीं आया, मैं संपत्तियों का बंटवारे करने नहीं आया, पर प्रार्थना इतनी है कि हमने हमारी आंखों से देखा है ऐसा होता है, ऐसा होता तो भले अपने पास भाटा रखो, पर जरूर रखो, पेटी रखो, कुछ भी रखो। और अगर मन हो कि वो भाटा मेरे को दे दो, तो भले मेरे को दे देना। हाँ, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आज श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि हे राजन, राजा भरत खेत की मेड़ पर बैठा, कुछ लेना ना देना, मगन रहना। एक व्यक्ति आया जिसने नर बलि चढ़ाने का संकल्प ले रखा था। विचार किया कि इसकी बलि चढ़ाए, बोले जो हट्टा कट्टा बेटा इसी की बलि चढ़ा। भरत जी महाराज को पकड़ के ले गए, माँ जगदम्बा के आगे बिठाया, केले खिलाए। बलि चढ़ाने से पहले खिलाते पिलाते, बलि चढ़ाने से पहले खिलाते पिलाते हैं, हाँ के ना? हाँ, अनुभव बोलता। बोले भरत जी महाराज को केले खिलाए जा रहे, भरत जी महाराज राजी राजी केले खा रहे। सिपाहियों ने कहा कि हे भरत, तू मूर्ख तो नहीं है? थोड़ी देर के बाद तेरी गर्दन कटने वाली है, तू केले खा रहा है? भरत जी महाराज कहने लगे कि हे सिपाहियों, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। जिसे बचाने पर आवे उसे मार करके भी बचावे। अरे तेरे बस में अंधेरे उजाले, हमें अंधेरों से बचा ले। भरत जी कहने लगे कि अगर भगवान बचाएगा तो तुम्हारी कोई औकात नहीं कि तुम मार दो। मस्त होके केले खा रहे, जैसे ही तलवार लेकर गर्दन काटनी चाही, उसी समय मां कात्यायनी प्रकट हो गई, हाथ में तलवार ले ली और राजा की एक गर्दन मां जगदम्बा ने काट। बोलिए जगदम्बे मात की। क्या देवता किसी की बलि लेते हैं? हां के ना? अगर बलि लेते हैं तो फिर वो देवता नहीं, अगर बलि लेते हैं तो फिर वो देवता है ही नहीं। और अगर है भी सही और तुमने बलि चढ़ा दी, भगवान वहां से गायब हो जाएगा, ये गारंटी है, ये शास्त्र कह रहा है। कहते हैं कि छोड़ देते हैं वो भोजन जिसमें एक बाल हो, छोड़ देते हैं वो भोजन जिसमें एक बाल हो, तो फिर कैसे खा जाते हैं वो भोजन जिसमें किसी माई का लाल हो? भोजन में एक बाल आ जाए तो छोड़ देते हो कि खा लेते हो? काय को छोड़ देते हो? नहीं छोड़ना चाहिए। आजकल तो बालों की क्वालिटी बहुत बढ़िया है, डव शैम्पू लगा रहे, बादाम का बजाज का तेल लगा रहे। पहले के समय में तो बप्पा होता था, जुए होती थी, इसलिए बाल के निकलने पे भोजन छोड़ देते। आजकल तो बाल बहुत साफ सुथरे हैं, जिम लिया करो बाल निकाल के। नहीं माने मन? बोले बाल के आने पर भोजन करने का मन नहीं होता, तो फिर किसी की मुंडकी मरोड़ के कैसे खा जाते हैं लोग? शमशान में जाते हैं तो आकर के नहाते हैं, शमशान में जाते हैं तो आकर के नहाते हैं, तो फिर मुर्दे को मार करके कैसे खा जाते हैं? जो जला के आया वो भी एक जीव ही था, और जो मार के खाया वो भी एक जीव ही था। एक जजमान के घर में गए, उनके घर में दो चूल्हे, उनसे पूछा, बोले जजमान एक चूल्हा घर में एक बाहर, ये काई का? कहने लगे, बोले गुरुजी हमारे दाता मानते नहीं है, तो मेहमान आते हैं ये मेहमान के नाम का चूल्हा। देखो गांव में शमशान कहां रहता है? गांव में शमशान कहां रहता है? गांव के बीच में के गांव से बाहर? अपने यहां कहां है? बाहर है। तो गांव के बीच में क्यों नहीं बनाया? बढ़िया आवन जावन में दिक्कत नहीं आए, मरे के जला दो हाथों हाथ बीच में, ज्यादा लंबा नहीं पड़े रास्ता,
पर गांव से बाहर बनाते क्यों बनाते हैं? बोले इसलिए बनाते हैं कि जहां कच्चा मांस पकता है, मुर्दा जो जलता है वो एक तरह का मांस है, और जहां कच्चा मांस पकता है वहां प्रेत आते ही आते हैं। इसलिए शास्त्रों में उन प्रेतों के नाम के लड्डू चढ़ाए जाते हैं। जो लड्डू अपन चढ़ाते हैं जिस दिन मृत्यु होती है वो प्रेतों के नाम के ही है कि भूतड़ों तुम खा लो और इस शरीर को तकलीफ मत। कहते हैं कि जहां प्रेत भूखा रहता है वो मरे हुए शरीर को पकड़ना चाहता है, इसलिए पिंडदान दिया जाता है, आटे का दान दिया जाता है, लड्डू चढ़ाया जाता है। तो कहते हैं कि जहां मांस पकता है वहां प्रेत आते हैं। तो अपन ने अपने घर में ही चूल्हा बना लिया, घर में ही मसान बना लिया, घर में ही जीवों को काट रहे हैं और घर में ही जीवों को पका रहे हैं, तो वहां भूतड़े आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे भूतड़े कि नहीं आएंगे? आएंगे। फिर पंडित जी को मुट्ठी बताएंगे कि गुरु जी लाड़ी दुणी रही। कहीं करी लाड़ी दुणी रही? लाड़ी दुणे नहीं तो फिर करे क्या? जो भूतड़े मसान में रहते हैं उनको तुम अपने घर में ले आए तो फिर तो उल्टा सुलटा होगा ही होगा। इसलिए हाथ जोड़ के निवेदन, हम मनुष्य हैं और मनुष्य का आहार मांस है ही नहीं। अंग्रेजों ने सोचा कि इन हिंदुओं का विनाश कैसे हो, बोले इनको गाय का मांस खिलाओ, इनको चर्बी खिलाओ, इनको जीवों का खून पिलाओ तो इनकी बुद्धि अपने आप खराब होगी और बुद्धि खराब होगी तो भगवान के पास जाने जैसे रहेंगी नहीं। इसलिए ये जो गलत आहार है ये राक्षसों ने ही हमको दिया। इसलिए निवेदन उन अंग्रेजों की इस देन को छोड़ दिया जाए। एक गांव है महितपुर तहसील का पाताखेड़ी, वहां के एक पंडित जी हैं, उन्होंने गांव के लोगों से निवेदन किया कि भैंसा सरी माता जी के आगे बलि मत चढ़ाओ। गांव के लोग कहने लगे अगर बलि नहीं चढ़ाएंगे और हमारे गांव में बुरा हो गया तो पंडित जी ने कहा कि एक काम करो मेरी गर्दन काट देना। पंडित जी की बात गांव के लोगों ने मानी और आज भी माता जी के वहां बलि नहीं चढ़ती। एक बार उन्होंने पंडित जी के लिए ताली बजाई। अच्छा किया कि बुरा किया? अच्छा किया कि बुरा किया? बहुत अच्छा किया। कहते हैं कि जीवों की हत्या को रोका, वरना कई लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि तू एक काम कर पोड़िया महाराज की मानता कर ले। 40-50 जनों को कह देते हैं, उसमें से 2-5 की मानता तो पूरी होती होती। तो पोड़िया महाराज का काम हो नहीं हो उनका उन जिंदा पोड़िया का काम हो जाता। ये जिंदा पोड़िया बहुत सारे घूम रहे हैं। तो इसलिए निवेदन है कि मुर्दों को मार के नहीं खाना। पर माने बात, बात माने, कथा में आने वाली बात को माने। हाँ यहाँ गर्दन जरूर हिला ले पर नहीं माने। बोले पंडित जी तुम तो जाओ, अपने 20 तारीख के दिन कथा पूरी होने फिर अपना हमारे मेहमान आने वाले हैं। हाँ तो मेहमान आपके आते रहे बहुत अच्छी बात है। एक बार की बात, एक पंडित जी कथा करते, उन पंडित जी की कथा को कोई नहीं सुने, गांव के एक माता जी सुने। जब गांव के एक माता जी सुने, सुने भी सही ने रोए भी सही। गुरु जी ने कहा कि इस गांव में कोई कथा सुनने वाला नहीं, सिर्फ ये एक माता जी है जो कथा सुनते, बाकी कोई नहीं सुनते। कथा पूरी हुई, कथा का जुलूस पूर्ण हुआ, पंडित जी जाने लगे। उन माता जी से पूछा कि माता जी इस गांव में कोई कथा नहीं सुनता था, बस आप ही कथा सुनते थे। माता जी कहने लगे कि हाँ मैं सुनती थी। बोले आपको कथा में क्या बढ़िया लगता था जो आप कथा सुनते भी थे और कथा में रोते भी थे? माँ साहब कहने लगे गुरु जी जैसी आपके दाढ़ी है, जैसी आपके दाढ़ी है वैसी दाढ़ी का मेरे एक बकरा था, वो बकरा मर गया। जिस दिन के आप गांव में आए और कथा करने के लिए बैठे मेरे को ऐसा लगा कि मेरा बकरा ही बैठा न, जो आप मुंडी हिलाओ तो ऐसा लगे कि मेरे बकरे की मुंडी हिल रही है। तो गुरुदेव मैं अपने बकरे को याद करती थी। तो कथा को सब अलग अलग भाव से सुनते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। देखो आपने कभी गधे को मुस्कुराते हुए नहीं देखा होगा, सांप को मुस्कुराते हुए नहीं देखा होगा, मगरमच्छ को मुस्कुराते हुए नहीं देखा होगा और देखना भी मत। वो मुस्कुराते भी नहीं, मुस्कुराता सिर्फ इंसान है। इसलिए अगर मुस्कुराने से फोटो अच्छा आ सकता है तो मुस्कुराने से जिंदगी भी अच्छी हो आ सकती है। इसलिए मुस्कुराते रहो और दोनों हाथ उठा के नाम लेते रहो। क्या जोर से और जोर से। आज माँ जगदम्बा ने रक्षा करी। भरत जी फिर खेत की मेड़ पे बैठ गए। अरे राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, अरे खावरी चिड़िया भर भर पेट। यहाँ चिड़िया भी राम जी की है, खेत भी राम जी का है। आज भरत जी महाराज कहते हैं खेत की मेड़ पर बैठे एक राजा आया, रहु गण
पालकी लेकर आया। जो पालकी चला रहे थे उसमें से एक पालकी चलाने वाला बीमार हो गया। जब बीमार हो गया तो कहते हैं कि सोचा कि किसे पालकी में लगाएं, बोले वो हट्टा कट्टा बेटा है, जनोई धारी उसी को बिठा लो। आज पालकी में भरत जी को लगाया। अब भरत जी महाराज कीड़ी को भी मरने नहीं देते, जैसे ही चलते उछल जाते। राजा रघुगण के माथे में एक बार, दो बार, दस बार लगी तो राजा रघुगण कहने लगा कि हे मूर्ख तू कौन है, पालकी चलानी भी नहीं आ रही। देखो जिसका काम जो ही करता, अगर किसी और का काम किसी और से करवाओ तो काम नहीं होता। एक बार की बात, रामलीला में रामलीला करने वाले एक व्यक्ति थे, रावण का रोल करते थे। रावण हो गया बीमार। क्या हो गया? रावण बीमार। कहां का रावण? अपने दलावदा का रावण, वो जो खड़ा है वो पानी के किनारे। तो वो रावण हो गया बीमार, रामलीला वालों से कहा कि यार भाई साहब अपन से नहीं बनेगी, अपनी तबीयत खराब है और इन दलावदा वालों ने खड़ा कर रखा है, तो खड़े हैं इसलिए हमने पैर भी दर्द कर रहे हैं, इसलिए अपन नहीं आई। मामला कैंसिल। रामलीला वालों ने सोचा कि यार अपना रावण बीमार हो गया खड़ा खड़ा, क्योंकि पानी के किनारे खड़ा कर रखा है इन्होंने दलावदा वालों, तो मच्छर जितने भी हैं उस रावण को काट रहे बेचारे। तो रावण बीमार हुआ। अब बीमार हुआ तो कहने लगा अपन से ये काम नहीं बनेगा रामलीला का, मना कर दिया। बोले यार रावण को नहीं ले जाओ तो फिर जिनकी अपन ने सही ले रखी वो माते आवे कि नहीं आवे? बोले रावण तो लाए नहीं तो। तब रावण किसको लाए? बोले एक हलवाई था, हलवाई से कहा कि क्यों गणेश दा रसोई करने जाते हो कितने पैसे देते हैं? बोले रसोई करने जाते हैं तो 300 रुपए देते हैं। बोले एक काम करो आज हमारे साथ चलो, रावण बनना है और कुछ भी नहीं करना। बोले कितने दोगे? बोले 500। बोले राजी यहाँ 300 मिल रहे, वहां 500 मिल रहे, और बढ़िया। चल पड़े रावण बनने के लिए गणेश दा। अब रावण बने, सभा लगी। अब हमारे बालाजी महाराज अशोक वाटिका को उजाड़ा, फल खाए तो खाए पर तोड़े। हनुमान जी को बंदी बना करके मेघनाथ लाया, ब्रह्मास्त्र से बांधा, ब्रह्मास्त्र ते ही साधा। कभी मन किन्न विचार, अति लघु रूप धरो निसी नगर करो पैसार। निम्न रूप धारण करने वाले ब्रह्मा का सम्मान किया और ब्रह्मा का सम्मान करके बंधन में बंधे। रावण कहने लगा कि हे मूर्ख वानर कौन है तू? हनुमान जी महाराज ने कहा कि राम दूत हूं और राम जी की आज्ञा लेकर के आया, तुम कौन हो? जब हनुमान जी ने आवाज के साथ ललकारा, रावण कहने लगा कि साहब मेरा नाम है गणेशा, मैं 300 रुपए में रसोई करता, आज 500 रुपए दे करके ये जबरदस्ती लाए, अपन नहीं आए, हनुमान जी अपने को माफ कर दो। तो जिसका काम जो ही करता है, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। आज भरत जी महाराज को पालकी में लगाया, रघुगण कहने लगे कि ये मूर्ख कौन है? पालकी से नीचे उतरा, देखा कि यज्ञो पवित्र जनोई दिखी, और जब जनोई दिखी यज्ञो पवित्र को देख के समझ तो गया कि ये कोई ना कोई ज्ञानी व्यक्ति है। बात को सुनने लगा। भरत जी महाराज अपनी जिंदगी में नहीं बोले, पर कहते हैं कि हर जगह मत बोलो पर कुछ जगह ऐसी होती है जहां बोलना जरूरी हो जाता है। भरत जी महाराज बोले, कहने लगे हे रघुगण तू तो किसी एक छोटे मोटे राज्य का राजा होगा, एक छोटे कस्बे का राजा होगा, पर मैं तो इस पूरे भारत का राजा था। मैं मरा, मर करके मृग बना, मृग बन के आज ब्राह्मण भरत बना। तू भी एक दिन मरेगा, ये ना संपत्ति काम आएगी ना ये पद काम में आएगा। दुनिया का कोई भी पद हो, कितने साल का? 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 40 साल, 50 साल, हर पद से उतरने के बाद एक दिन भगवान के पद चरणों तक जाना है, इसलिए हे रघुगण अभिमान को छोड़ दे। भरत जी महाराज के शब्दों को जब रघुगण ने सुना, ज्ञान उपजा और रघुगण का अहंकार समाप्त हो गया। जो भी भरत जी महाराज की इस कथा को सुनता है उसके जीवन में कभी भी अभिमान नहीं आता। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। बड़ी जोर से बोले भक्त वत्सल भगवान की। आज पूड़िया है के बापले के कुछ भी नहीं है? पूड़ी, बोलिए पूड़ी महारानी की। हाँ तो जाग जाओ, चिंता मत करो, पूड़ी बन रही, अपन भी जीमेंगे चकाचक। हाँ एक बार दोनों हाथ उठा के जोर से बोलेंगे। आज श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, हिरणाक्ष नामक राक्षस को तो भगवान ने मार दिया। हिरणाक्ष का एक भाई है, नाम है हिरणाकश्यप। पूरे जगत में ऐलान कर दिया कि भगवान मैं हूं,
क्योंकि ब्रह्मा से वरदान लेकर के आए, ब्रह्मा से वरदान मांगा कि कृपा करके आशीर्वाद दे दो कि मैं कभी मरूं ही नहीं। ब्रह्मा जी कहने लगे कि इस रिचार्ज की सुविधा हमारे पास भी नहीं, तो ये रिचार्ज आपके कैसे करते, मरते तो हम भी, तो कृपा करो दूसरा वरदान मांग लो। बोले एक काम करो, न दिन में मरो न रात में मरो। बोले तथास्तु। 12 महीने में से किसी महीने में ना मरो। बोले तथास्तु। अस्त्र से मरो ना शस्त्र से मरो। बोले तथास्तु। आज जब सब वरदान ले लिए, हिरण्यकश्यप आया, जगत में ऐलान किया कि कोई विष्णु की पूजा नहीं करेगा, आज से अपन ही भगवान है, क्योंकि अपन ना दिन रात में मरेंगे ना 12 महीने में मरेंगे। सबने बात मान ली, पर उन्हीं के बेटे प्रहलाद ने बात को नहीं माना। आज प्रहलाद पढ़ लिख करके आए, पिताजी ने पूछा, बोले बेटा सबसे अच्छा पाठ बताओ। बेटा कहने लगा, बोले पिताजी सबसे अच्छा। बोले हाँ सबसे अच्छा। जनमानस्य यतो भयादितः चररतेव भिज्ञः स्वराद तेने ब्रह्मा हदाय आदि कवये मोहन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमिदां यथा विनिमयो यत्र दिसर्गो वृषाः धामना स्वेन सदा निरस्तमुखं सत्यं परं धीमहि। न ब्रह्मा परम धीमहि कहा, न विष्णु परम धीमहि कहा, कहा सत्यम परम धीमहि, सत्य ही भगवान है। आज जब ये बात कही, हिरण्यकश्यप आग बबूला हो गया, कहने लगा आज कहने लगे कि अगर परमात्मा ही सत्य है तो तुझे मैं बताता हूं कि मैं कौन हूं। आज सिपाहियों से कहा कि हे सिपाहियों, जाओ इसे पहाड़ की चोटी से गिरा दो। आज जब कहा कि पहाड़ की चोटी से गिरा दो, सिपाही गए और सिपाही जाकर के कहने लगे कि पहाड़ की चोटी से गिराते हैं। प्रहलाद से कहते हैं कि हे प्रहलाद, अपने पिताजी की बात मान ले। कहने लगा कि तुम्हारे मालिक ने आदेश दिया है कि इसे पहाड़ की चोटी से गिरा दो, और मेरे मालिक ने आदेश दिया है कि बेटा तुझे कोई कहीं से भी गिराए, मैं संभालने के लिए बेटा हूं। एक बार दोनों हाथ उठा के प्रेम से क्या बोलेंगे। आज हिरण्यकश्यप को पहाड़ की चोटी से गिराया, जब पहाड़ की चोटी से गिराया, मेरे सरकार अपने दोनों हाथों में प्रहलाद को उठा लेते, बाल भी बांका होने नहीं दिया। जा को राखे साइया और मार सके ना कोई, अरे बाल न बांका कर सके, अरे चाहे जगबेरी होए। अगर भगवान रक्षक है तो कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। प्रहलाद की रक्षा हुई, तदुपरांत आज प्रहलाद को कारागार में डाला, न पीने के लिए पानी दिया, न खाने के लिए भोजन दिया। प्रहलाद भूखा और प्यासा कारागार के अंदर कैद। भगवान विष्णु लक्ष्मी से कहते हैं कि हे देवी, मेरा एक भक्त है जो मेरी वजह से कारागार में कैद है, उसके ही पिता ने कारागार में डाल दिया। तब लक्ष्मी कहती है कि हे भगवान, फिर तुम दया करने क्यों नहीं जाते। भगवान कहने लगे कि हे लक्ष्मी, सब काम मेरा थोड़ी है, कुछ काम तुम्हारा भी है। आज प्रहलाद को भोजन कराने के लिए साक्षात मां लक्ष्मी आई और अपने हाथों से प्रहलाद को भोजन जिमाया। कारागार खोली, हिरण्यकश्यप ने पूछा, बेटा कैसी बीती। प्रहलाद कहने लगे, पिताजी आपके महलों से तो आपकी कारागार बहुत बढ़िया है। बोले क्यों। बोले आपकी कारागार में तो भगवान का भजन गाना बंद है, पर कारागार में तो कोई भजन करने से रोकता ही नहीं। हम पूड़ी खा के भी भगवान का भजन नहीं करें, और प्रहलाद ने तो मार खा के भी भगवान का भजन कर लिया। अपने को तो पूड़ियां मिल रही, मालपुए मिल रहे हैं, रोटियां मिल रही है, पराठे मिल रहे हैं, मक्के की रोटी मिल रही, पोए मिल रहे हैं, साबुदाने मिल रहे हैं, जलेबी मिल रही, फिर भी भगवान का भजन नहीं करो तो अच्छी बात है कि बुरी। प्रहलाद ने तो मार खा के भी भगवान का भजन नहीं छोड़ा, और हम मालपुए खाकर भी भगवान का भजन नहीं करें तो इससे बड़ा अपराध कोई हो नहीं सकता। आज बहन आई, कहने लगी,
बोले भैया चिंता किस बात की है? बोले चिंता ये है कि मेरे घर पे ही मेरा दुश्मन पैदा हो गया। बोले कौन? बोले मेरा बेटा। आज बहन कहने लगी चिंता मत करो, मैं अग्नि स्नान करती हूँ, प्रहलाद को गोद में बिठाया, आग लगाई, होली का पटका उड़ा, प्रहलाद की रक्षा हो गई और होली का जल करके भस्मी विभूत हो गई। उस दिन से आज दिन तक आप और हम सब होली का त्योहार मनाते हैं। बोलिए होली का महारानी की। अब होली का तो भगवान को जला रही थी, फिर वो महारानी कैसे हो गई? बोल महारानी इसलिए हो गई क्योंकि जो भगवान जिसकी गोद में बैठ जाए वो सामान्य नहीं होता। आज आप और हम सब होली का त्योहार मनाते हैं। यहाँ जितने भी भक्त बैठे हैं, कौन कौन ऐसे हैं जिन्होंने इस बार होली खेली, वो हाथ ऊपर करें। बाकी ने क्यों नहीं खेली? रंग खराब हो जाए, रिएक्शन हो जाए। वाह वाह, एक दिन ढूंढकों में जलोगे कि नहीं जलोगे? तो अगर ढूंढकों में जलना ही है तो फिर रिएक्शन से डरना नहीं है। बोलिए होली का महारानी की। वृंदावन में होली खेली जाती है गुलाल की, फूलों की। अपने यहाँ होली खेली जाती है काई की, है जी? अपने यहाँ तरह तरह के रंग ने, कोई रंग नहीं बचे तो रंपेड़ा, हाँ रंपेड़े में होली खेलते, और भी कोई नहीं बचे तो मोटरसाइकिल का आई नहीं। हाँ तो जो होली हमारे क्षेत्र में होती है ये बड़ी प्यारी होली होती है। एक बार अपनी होली के लिए जोरदार ताली बजाइए। होली का मतलब होता है हे भगवान ये आत्मा तेरी होली। जब ये आत्मा भगवान की हो जाती है उसी का नाम है होली। तो आइए आनंद के साथ एक होली का भजन। अरे रंग मत डारे रे सांवरिया मारो गुजर मारे, अरे रंग मत डारे रे। बोल होली के रसिया की। गुजर मारे रे रंग मत डारे रे, रंग मत डारे, रंग मत डारे, रंग मत डारे, रंग मत डारे, अरे रंग मत डारे रे, रंग मत डारे रे, अरे रे रे रंग मत डारे रे, सांवरिया मारो गुजर मारे रे।
होली खेले ने काना बरसाने में आज रे अरे राधा और रुक्मण ने धरे राधा और रुक्मण ने सागे साथे लाजे रे रंग मत डरे रे अरे रे रे रंग मत डरे रे सांवरिया मारो गुजर मारे प्रहलाद की रक्षा भई कृणा के सब कहने लगा तेरा भगवान कहाँ है बोले कहाँ नहीं बोले के इस खंबे में है बोले है गदा का प्रहार करने के लिए आगे बढ़ा खंबा फटा और जैसे ही खंबा फटा अंदर से भगवान नरसिंह के रूप बोलिए नरसिंह भगवान की नरसिंह भगवान की नरसिंह भगवान आज नरसिंह भगवान प्रकट भए कंबा फाड़ के जब आए कहते हैं हिरण्यकश्यप को घुटनों पे उठाया हिरण्यकश्यप थोड़ी देर के लिए डर गया कहने लगा बोले प्रभु मैं मरूंगा नहीं वरदान प्राप्त है बोले क्या वरदान बोले ना दिन में मरूं ना रात में मरूं बोले दिन है कि रात है बोले संध्या काल बोले ना नर से मरूं ना नारायण से मरूं बोले एक बार मेरे सामने तो देख कि मैं नर हूं कि नारायण कहने लगे कि हे प्रभु आप आधे नर हो और आधे सिंह हो आप तो नरसिंह हो कहने लगा 12 महीने में से किसी महीने में ना मरो भगवान ने कहा चिंता मत कर तेरे लिए 13वां महीना बनाया इस दुनिया के डायरेक्टर भी अपनी है ऑपरेटर भी अपनी हाँ तो तेरे लिए 13वां महीना बनाया जिसको मल का मास कहते हैं अधिक मास कहते हैं पुरुषोत्तम मास कहते हैं कहने लगा
फिर भी नहीं मरूं। बोले क्यों? बोले ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से। बोले चिंता मत कर, तेरे लिए अस्त्र शस्त्र की जरूरत पड़ेगी नहीं, अपने नाखून ही काफी। हाँ, आज नाखूनों से ही तुझे विदीर्ण कर दूंगा। कहने लगा, ना घर में मरूं ना घर से बाहर मरूं। भगवान ने कहा, ना घर में है ना बाहर है तो डेली में। कहने लगा, ना धरती पे मरो ना आसमान में मरो। भगवान ने कहा, ना धरती पे है ना आसमान पे है, तू मेरी जंगा पे है। आज हिरण्याकश्यप के हृदय को विदीर्ण कर दिया और आंतों को भगवान ने अपने गले में पहन लिया। लक्ष्मी भगवान को मनाने के लिए आई, क्योंकि भगवान बड़े क्रोधित थे। भगवान ने लक्ष्मी को कहा कि वहीं रुक जा, तू जहां जहां जाती है वहां वहां व्यक्ति को अहंकारी कर देती है। लक्ष्मी वापिस चली गई। प्रहलाद आए, प्रहलाद को देख करके भगवान रोने लगे, और जैसे एक गाय अपने बछड़े को चाटती है वैसे प्रहलाद को भगवान चाटने लगे। कहा कि बेटा मैंने आने में देर तो नहीं करी? प्रहलाद कहने लगे, प्रभु आपने कोई देर नहीं करी। तब भगवान ने अपने नाखूनों को महुए के झाड़ में प्रवेश करवाया और कहा कि जो भी इस महुए के झाड़ के फल को पिएगा उसका समूल विनाश हो जाएगा। महुए के झाड़ का क्या बनता है जी? महुए के झाड़ का क्या बनता है? दारू। ये दारू जो है, ये दारू नाम तो अपन ने रखा है, इसका असली नाम है शराब। शराब भी नहीं है, शराब। कहते हैं कि कलयुग के लोग बड़े समझदार हैं, उनको मालूम है कि दुकान के ऊपर लिख दो कि यहाँ देसी और विदेशी शराब मिलते हैं तो कोई लेने जाए नहीं जाए, इसलिए वहां लिख दिया यहाँ देसी और विदेशी शराब मिलती। ये शराब नहीं है, ये नरसिंह भगवान के शराब है कि जो भी इस महुए के झाड़ के फल को पिएगा 12 महीने 6 महीने या 12 साल में जैसे महुए के झाड़ की हालत होती है वैसी हालत उसकी भी हो जाएगी। आज कई घर इस शराब की वजह से ही बर्बाद है, कई एक्सीडेंट शराब की वजह से ही हो रहे हैं। जो मेहमान चाय पीकर विदा होने वाला होता है उस मेहमान के ऊपर 4-4, 5-5, 12-12, 15 हजार रुपए का खर्चा किया जा रहा है। निवेदन, मित भी बने, गलत व्यसन किसी को पिलाना पाप है। आज नरसिंह भगवान ने बड़ा प्यारा उपदेश दिया, दर्शन हुआ, नरसिंह भगवान को प्रणाम। यहीं से कथा आगे बढ़ी। प्रहलाद के वंश में आगे जाकर के विरोचन हुए, विरोचन के पुत्र बलि हुए। बलि ने किया हवन, और जब हवन किया तो भगवान वामन का रूप बना करके प्रकट हो गए। बोलिए वामन भगवान। वामन भगवान प्रकट भए। राजा बलि ने देखा कि इतना सुंदर ब्राह्मण मेरे घर आया। बोले ब्राह्मण देवता कैसे आए? कहने लगे, बोले ब्राह्मण का बेटा बिना कारण के नहीं आता, कारण से आया हूं। बोले क्या कारण है? बोले 3 पग धरती दान में चाहिए। बलि हंसने लगा, बोले राजा ब्राह्मण देवता मांगना भी नहीं आ रहा, मांगो तो थोड़ा अच्छा मांगो। कहने लगा, नहीं आप तो 3 पग ही दे दो, इतनी सी कृपा कर दो। बोले 3 पग क्यों? कारण, इंसान सोता कितनी जगह में? 5 बीघा में कि 10 बीघा में? कितनी जगह में सो जाता है? 3 पग जगह में आराम से सो सकते हैं। इंसान खाता कितना है? 15 बीघा का खाता है रोज के? जितना 3 पग धरती में उगता उतना ही खाता है। बोले 3 पग धरती में जितना अनाज उगता है उतना ही खाता है, उतनी जगह में सो जाता है। अर्थात भगवान वामन ये कहना चाह रहे हैं कि ज्यादा की जरूरत ही नहीं। अगर तुम्हें भगवान ने 3 पग धरती भी दी है तो बहुत है, तुम भूखे कभी नहीं मरोगे। ये भूमि माँ है, जगदम्बा है। और कहा, आज 3 पग धरती का संकल्प करो। तब शुक्राचार्य जी वहीं खड़े, कहने लगे कि बलि ये कोई वामन वामन नहीं है, ये विष्णु है और ये शेर साथ छल करने आया, दान मत दे। मना किया। गुरुजी से राजा कहने लगा कि हे गुरुदेव, आज से आप मेरे गुरुजी नहीं और मैं आपका चेला नहीं। गुरु चेले का रिश्ता खत्म। क्या गुरु चेले का रिश्ता खत्म करना चाहिए? करना चाहिए नहीं करना चाहिए? पर शास्त्र में कहा, बलि गुरु तजो भरत में तारी, बंधु विभीषण तजो यह सब सुखकारी। राजा बलि ने गुरुजी को छोड़ दिया कि गुरुजी तुम दान देने से मना कर रहे हो, अगर ये विष्णु है तो कितनी बड़ी बात है कि मेरे घर आज जगत का पालनहार आया है और आप दान देने से मना कर रहे हो। गुरुजी का त्याग किया। भरत ने राम जी को वनवास दिया। भरत कहने लगे कि हे माँ, मुझे राम बड़े प्रिय हैं, आज से तुम मेरी माँ नहीं, मैं तुम्हारा बेटा नहीं। अपनी माँ का ही त्याग कर दिया। विभीषण लंका का त्याग करके राम जी के चरणों में चल पड़ा, सोने की लंका को ठोकर मार दी। भगवान श्री राम ने कहा कि आज से तुम ही लंकेश हो। 3 पग धरती का संकल्प होने वाला, और वहीं वामन भगवान हमारे मध्य में भी पधार गए। एक बार वामन देवता के लिए जोरदार ताली बजा। अरे फुलडा
अरे लिया रे मालिका, अरे मरे गरे आवेला भगवान। और हमारे भगवान बड़े ही सुंदर हैं, भगवान का स्वागत कौन कौन करेगा, तो आइए आनंद के साथ मीठी मीठी ताली के साथ। अरे फुल्लेड़ा, अरे फुल्लेड़ा, अरे फुल्लेड़ा लिया रे मालिका, मरे गरे आवेला भगवान, आवेला भगवान, मरे गरे आवेला भगवान। भगवान का स्वागत ऐसे करोगे, खड़े हो जाओ अपने अपने स्थान पर, क्योंकि तुम थक गए बैठे बैठे, आपका ध्यान रखना पड़ता है। अरे आवेला भगवान के मारे गरे आवेला भगवान, आवेला भगवान मारे गरे आवेला भगवान, ओ फुल्लेड़ा मिया रे मालिका, मारे गरे आवेला भगवान, हे फुल्लेड़ा विराज। कभी कभी होता है कि अपन बैठे बैठे थक जाते हैं तो पंडित जी को ध्यान रखना पड़ता है, तो आपका ध्यान रखना मेरा कर्तव्य है। हर एक बार हमारे सरकार के लिए जोरदार ताली बजाएं। हरिओम। 500 रुपए करण सिंह पिता मान सिंह जी की तरफ से भंडारे में दान दिए जा रहे हैं। भागवत भैया की मनोकामना पूर्ण करे, बोले भागवत महापुराण की जय, वामन भगवान की जय। विराज एक बार दोनों हाथ उठा के प्रेम से क्या बोलेंगे, जोर से राधे और जोर से राधे राधे, बोलिए वामन भगवान की जय। आज गुरुजी कहने लगे कि तू दान मत दे, गुरुजी का त्याग किया, गुरुजी विदा हुए। वामन भगवान कहने लगे कि दान दो, तो राजा बलि कहने लगे दिया बोले ऐसे नहीं, पक्का ब्राह्मण संकल्प के साथ लूंगा। तुरंत संकल्प करने के लिए कमंडल में से जैसे ही वामन भगवान ने जल निकालना चाहा, शुक्राचार्य जी असुरों के गुरु कमंडल की नाल में जाके बैठ गए। हमारे वामन भगवान बड़े होशियार, एक तिनका लिया अंदर बाहर किया, बोले कचरा घुस गया होगा, अंदर कोई कचरा नहीं था, शुक्राचार्य जी कचरे थे, अंदर कचरे की आंख फूट गई, बाहर निकले कहने लगे कि दान देने वाला बलि, लेने वाला वामन, और फोकट में अपन ने अपनी आंख फुटवा ली। इस दुनिया में जो भी धर्म के काम में रोड़ा अटकाएगा मेरा भगवान उसे काना करेगा ही करेगा, और आंख का काना तो चश्मा लगा सकता है, आंख का काना तो चश्मा लगा सकता है, पर नसीब का काना कुछ नहीं कर सकता। इसलिए निवेदन, सब काम में रोड़ा अटका देना, पर धर्म के काम में कभी भी रोड़ा मत अटका। और जिन जिन ने धर्म के काम में दगा किया, एक बार उनके जाकर के घर देखना,
अरे दगा किसी का सगा नहीं है, अरे किया नहीं तो करके देखो, अरे जिसने जिसने दगा किया है अरे जाकर उनका घर देखो। अरे दगा किया था रावण ने, अरे मां सीता को हर लाया, अरे रावण की लंका देखो फूंकी, लंका को भस्म है कर डाला। दगा किसी का सगा नहीं है, किया नहीं तो करके देखो, और जिसने जिसने दगा किया है जाकर उनका घर देखो। कहा तीन पग धरती का संकल्प हुआ, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः। भगवान उसी समय विराट स्वरूप में प्रकट हो गए। शांताकारं भुजंगसेनं पद्मनाभं सुरेशनं विश्वाधारणं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योग्यविन्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकेकनाथं। आज भगवान ने एक पैर में अतल वितल सुतल महातल तलातल सातल लोक नापा, दूसरे पैर में सत रज तम और ब्रह्मांड नापा। ब्रह्मा जी के चरण दिखाई दिया, ब्रह्मा जी ने पैर धोया, और जैसे ब्रह्मा जी ने पैर धोया गंगा मैया प्रकट हो गई। गंगा दशमी का वो दिन गंगा मैया प्रकट भई, शिव की जटा में जाकर के समाप्त। राजा बलि से वामन भगवान कहने लगे कि बलि अब तीसरा पैर रखूं तो कहां रखूं। बलि कहने लगा कि हे प्रभु अब तो मेरे पास और कुछ बचा नहीं, सब कुछ आपका ही हो चुका, पर हे नाथ मैं बचाऊं, कृपा करके तीसरे पैर में मुझे ही नाप लो। भगवान कहने लगे कि हे बलि मैं तुझसे नहीं चाहता, मैं तुझसे नहीं चाहता, मैं तो तुझको ही चाहता हूं। आज राजा बलि के माथे पर तीसरा पैर रखा, संकल्प पूरा हुआ। जैसे संकल्प पूरा हुआ, कहते भगवान ने जब राजा बलि का सब कुछ हरण कर लिया, आप सोची ना चले प्रभु सोचे, तत्काल बलि चाहे स्वर्ग को ऊपर पहुंचाया पाताल। आज जब सब कुछ हरण कर लिया तो बलि के कर्जदार भगवान हो गए। जब पंडित जी जजमान से आवश्यकता से ज्यादा दान ले ले तो पंडित जी कर्जदार बन जाते हैं। आज वामन भगवान कर्जदार बने। राजा बलि से कहा कि हे बलि तू क्या चाहता है, तो बलि कहने लगा कि प्रभु आपके दर्शन चाहता हूं। क्या चाहता हूं? आपके दर्शन। जब कहा कि आपके दर्शन चाहता हूं, तो भगवान ने कहा कि तू इंद्र तो नहीं बनेगा, पर सुतल लोक का राजा मैं तुझे बनाता हूं। और सुतल लोक का राजा बन गया बलि, और द्वार के द्वारपाल बन गए वामन भगवान। बोलिए द्वारपाल भगवान की। लक्ष्मी ढूंढ रही कि मेरे पति कहाँ है, मेरे पति कहाँ है। पति तो द्वारपाल बन के खड़े। राजा बलि के द्वार पर आई, द्वारपाल से कहा कि चलो भगवान आपका इंतजार हो रहा वैकुंठ में। भगवान कहने लगे अपने मालिक अंदर बैठे हैं। राजा बलि के पास लक्ष्मी गई, राखी बांधी, और राखी के बदले आज भगवान विष्णु को लेकर के आई। तब से आज दिन तक राखी का त्योहार मनाया जाता है। कहते हैं कि हमारे हाथों पे चाहट से पट्टी कौन बांधेगा, अरे ये बहने नहीं होगी तो राखी कौन बांधेगा। आज राखी का वो त्योहार प्रारंभ हुआ। कहते हैं जब लक्ष्मी मैया राखी बांध करके, लच्छा बांध करके भगवान के साथ, वामन के साथ, बलि के साथ संबंध बना, बलि बन गया साला, लक्ष्मी बन गई बहन, और विष्णु भगवान बन गए जमाई। आज भी पंडित जी लच्छा बांधते हैं तो राजा बलि का नाम लेते हैं। येन बद्धो हो बलि राजा दानवेन्द्रो महाबल। सत्यनारायण भगवान की कथा में भी बलि का नाम आता, लच्छा बांधो वहां भी बलि का नाम आता है। क्यों? ये दान की महिमा है। जितने दानदाताओं ने दान दिया एक बार उन सबके लिए जोरदार ताली बजाई। आज जब दान दिया तो कहते हैं अंत दुगतवान रूपे। आज जब दान दिया तो कहते हैं कि दान की बड़ी भारी महिमा। वामन भगवान को एक कुर्सी दे दो, कुर्सी। हाँ कुर्सी पहुंचा। वो सरकार है हमारे, और सरकार अगर मध्य में बता रहे हैं तो विराजमान रहेंगे कुर्सी पे। जिनको आना है वो वामन भगवान के पास आएंगे आनंद के साथ। ओ भाई साहब जाओ जाओ, दादा जाओ।
बड़े आराम से कुर्सी जा रही है, कुर्सी की आदत ही ऐसी, गलती कुर्सी की नहीं, बोले ये कुर्सी आराम से जाती है। बामन भगवान प्रभु कुर्सी पे बिराजो आप, हाँ इधर पधारो आप, आराम से बिराजे रहो और हाँ आराम से बिराजो और मुंह हमारी तरफ कर लो, हमें बढ़िया लगेगा। जय हो आपकी। बोलिए वामन भगवान की जय हो। आज तीन पग धरती का संकल्प हुआ, लक्ष्मी ने राखी बांधी, राखी का त्योहार तभी से मनाया जाता है। हमारे वामन भगवान बड़े सुंदर, किस किस को वामन भगवान सुंदर लग रहे हैं। जहाँ की रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखो तैसी, मानो तो ये हमारे गांव के ही बालक है और मानो तो यही वामन भगवान है। तो आइए आनंद के साथ, वामन भगवान बड़े सुंदर। राजा बली की पत्नी विद्या बली कहती है कि ऐसा बालक मेरे घर पे भी जन्म ले ले तो आनंद आ जाए। तो राजा बली की पत्नी विद्या बली मांग रही है और क्या कह रही है, हे मारा बाल गोविंदा जी, हे ते मारे घरे रमवा, ते मारे घरे। तो जो जो चाहते हैं कि सरकार आए तो आनंद के साथ नाचते हुए गाते हुए आज की कथा का ये अंतिम भजन इसी की तरह आरती की तरफ बढ़ते हुए। अरे वन वन टू थ्री एच आर नाचने का फर्ज सिर्फ इधर वालों का नहीं, अपना भी। आज मेरे यार की शादी है, यार की शादी में खूब नाचे आज मेरे वामन भगवान के लिए। अरे हाथ धुलई दू पाप धुलई दू और धुलाऊ तक मुंडो जी, हाथ धुलई दू पाप धुलई दू और धुलाऊ तक मुंडो जी, हाथ धुलई दू पाप धुलई दू और धुलाऊ तक मुंडो जी, हाथ धुलई दू पाप
सभी के हाथ लंबे लंबे के संग मेरा सिर रचई तो है मारा ओ मारा ए मारा बाल गोविंदा जी राजा बलि की पत्नी विद्या बलि ने मांगा कहते हैं अंत दुगतवान रूपे परम पिता परमेश्वर बड़े दयालु बड़े कृपालु। राजा बलि की कथा में शिक्षा देती है कि जब भी मांगने जाओ तो छोटे बन के जाओ। किसे बन के जाओ? छोटे बन। तो कि तो ये दो बात भी कहते हैं तो सुन लो। जीवन में जो भी काम करो, धर्म का काम कभी भी करो, तो धर्म का काम करते समय कभी भी किसी भी समय इस बात को ना सोचे कि मैं जो धर्म का काम करने जा रहा हूं उस काम के लिए मैं बड़ा बनूं। नहीं, छोटे बन के जाओ। और छोटे बन के जाओगे तो कोई दो बात कह देगा तो सुन लो, और जो सुन लेता है, सुनना बहुत बड़ी बात, सुनाना कोई बड़ी बात नहीं। आप सब सुन रहे हो, ये बहुत बड़ी बात। आज के समय में व्यक्ति सुनना नहीं चाहता, सुनाना चाहता है। हाँ, सुनना कोई नहीं चाहता, सुनाना चाहता है। और ये तो भगवान की बहुत अच्छी परंपरा है कि कथा में चार घंटे बैठ के सुना जाता है, वरना जितने भी बैठे हैं सब के सब वक्ता बैठे हैं। आज वामन भगवान तीन पग धरती का संकल्प हुआ, ये दान की महिमा है। और कहते हैं कि कबीरा भोजन मर गए जो परघर मांगन जाए, पर उनसे पहले वो मरे जिनके मुंह से निकरत नाए। मांगने वाला, किसी को मांगना अच्छा लगता है? नहीं लगता। मांगन मरण समान है और मत मांगियो भीख। अरे कबीरा भोजन मर गए जो परघर मांगन जाए, पर उनसे पहले वो मरे जिनके मुंह से निकरत नाए। तो देने से मना कर देता है कि हम धर्म के नाम पर नहीं देंगे, वो उससे भी पहले मरा हुआ। कहते हैं दान की बड़ी भारी महिमा है। एक बड़ा प्यारा किसी शायर ने शेर कहा है, बड़े ध्यान से सुनना। चढ़ते सूरज ढलते देखे, जो सूरज सुबह पूर्व से उदय हुआ था वो अभी अस्त होने वाला है थोड़ी देर में। चढ़ते सूरज ढलते देखे, निवेदन के चलते फिरते भगवान है। एक तो भंडार के श्री सियाराम बाबा, वृंदावन के प्रेमानंद बाबा, बागेश्वर के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी गुरु जी, इन सब संतों के अगर तुम दर्शन कर रहे हो तो ये समझ लो कि तुम बड़े बड़ भागी हो। कहते हैं चढ़ते सूरज ढलते देखे और बुझते दिए बढ़ते देखे, अरे हीरे दा कोई मोल न जाने, खोटे सिक्के चलते देखे। अरे लोग की केते दाल नी गल दी, अरे मेदा पत्थर गलते देखे। अरे कई पेरा तो नंगे फिरते, सर पे लपण छावा, मेनू दाता सब कुछ देता, ओ मैं क्यों ना शुक्र मनावा। सुनो, समझ में शायद नहीं आई होगी। इस दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको भगवान ने चप्पल नहीं दी, पर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको भगवान ने पैर ही नहीं दी। इस दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको भगवान ने भोजन जीवने के लिए हाथ भी नहीं दिया। इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जन्मजात कान से बेरे। इस दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं
जिनको भगवान ने के द्वारा नहीं बल्कि कर्मों के द्वारा ही दुख देखने पड़ रहे हैं, पर आपको और हमको सब कुछ दिया कि नहीं दिया, दिया कि नहीं दिया? जितने भी यहाँ बैठे हैं, रोटी की व्यवस्था है कि नहीं, कपड़े की व्यवस्था है कि नहीं, मकान की व्यवस्था है कि नहीं, हाथ पैर काम कर रहे कि नहीं कर रहे, कान सुन रहे कि नहीं सुन रहे, तो उस भगवान का धन्यवाद करोगे कि नहीं करोगे? जरूर किया करो। हे भगवान, तूने मुझे जो दिया है वो बहुत दिया है, हमको जो दिया है बहुत सारे लोग उसे पाने के लिए तरसते हैं, तो भगवान ने हमें जो दिया है उसका शुक्रिया करो। पर अपने को नजर क्या आता है? जो दिया है वो नहीं दिखता, जो नहीं दिया है वो दिखता, जो दिया है वो नहीं दिखता, जो नहीं दिया वो दिखता, कमी क्या है, रोना कहाँ है? तो इसलिए निवेदन, रोना नहीं, जो भगवान ने दिया है बहुत कुछ दिया है, मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। भगवान का हमेशा शुक्रिया करो कि हे नाथ, तूने जो कृपा करी वो बहुत बड़ी कृपा करी है, तेरी कृपा ऐसी ही हमारे ऊपर बरसती रहे, हम तेरे दरबार में आते जाते रहें, तेरा नाम गुनगुनाते रहें। भगवान ने बड़ी कृपा पर हम सबके ऊपर करी। भगवान ने मुंह कितने दिए? मुंह कितने हैं? एक। कान कितने हैं? दो। मतलब भगवान ये कह रहे हैं कि बोलो कम सुनो ज्यादा, ज्ञान कम बोले ज्यादा, कूट खाने के लक्षण। ज्ञान कम बोले ज्यादा, कूट खाने के लक्षण। आवक कम खर्चा ज्यादा, बर्बाद होने के लक्षण। भगवान ने आपको और हम सबको कान दिए, पर कान के ऊपर मदगाट भी दिए। मदगाट दिए कि नहीं दिए? वरना भगवान सोच लेते कि कान में ही काम हो जाएगा, मदगाट की क्या जरूरत। पर भगवान ने मदगाट इसलिए दी कि कोरोना काल में मास्क कहाँ लगाएंगे, चश्मा कहाँ पहनेंगे, खूंटी तो ठोक नहीं सकते यहाँ। तो भगवान बड़ा दयालु है, बड़ी कृपा कर रहा है। एक बार भगवान के लिए जोरदार ताली बजाई, और हमारे वामन भगवान भी ताली बजा रहे, इनके लिए ताली बजाई। ऐसे मस्त अलबेले वामन भगवान कहीं नहीं, तो वामन भगवान बनने के बाद ऐसे शर्माए कि जैसे उनका सब कुछ लूट लिया। पर ये ऐसे लग रहे हैं जैसे कि आनंद मंगल में हो। एक बार हमारे चकाचक वामन भगवान के लिए ताली बजाई। एक बार की बात, एक यजमान ने सोचा, एक व्यक्ति ने सोचा कि आज के समय का सबसे बढ़िया काम कौन सा है? सबसे बढ़िया काम, आज के समय का सबसे बढ़िया काम कौन सा है? ए जी, टेंट लाओ तो पहले खर्चा करना पड़ता जब टेंट लाओ, साउंड लाओ तो पहले लाखों रुपए का खर्चा करो जब जाके सिस्टम आए, साज बाज लाओ तो एक तो साज बाज के भी पैसे दो और सीखो भी सही, मंथन भी करो जब जाके मंच पे बैठो। ये जितने मंच पे बैठे हैं ये चलते फिरते नहीं बैठ गए, बोले मंथन किया है, मेहनत करी है, सरस्वती ने कृपा करी है, जब बैठे हैं एक बार इनके लिए ताली बजाए। हमारे साउंड वाले भाई साहब के लिए ताली बजाए। कथा भजन लाइव करो तो उसके लिए महंगे महंगे कैमरे लाने पड़ते हैं अपने पास में, तीसरा नेत्र कैमरा विराजमान है, कैमरे वाले भाई साहब के लिए ताली बजाए। अब सोचा, बोले कौन सा काम बढ़िया है? बोले सबसे बढ़िया काम है कथा करनी, सबसे बढ़िया। लौंग भी जजमान का, इलायची भी जजमान की, टेंट जजमान का, साउंड जजमान का, पंखा जजमान का, माथे में तेल जजमान का, वामन भगवान की छतरी भी जजमान की, अपना कुछ नहीं। तो सबसे बढ़िया काम भगवान की कथा करनी। अब उन्होंने सोचा कि यार कथा करने लगो सबसे बढ़िया काम, करना क्या, कोई बड़ा काम नहीं करना, सीतामो जाओ, सतनारायण भगवान की एक किताब ले लो 30 रुपए की, और किताब लेकर के कथावाचक बन जाओ। अब कथावाचक बने, सुन एक बार प्रेम से क्या बोलेंगे, जोर से, इतने धीरे जो बोलो तो मैं तो आरती करूं, टाइम हो गया अपनी गाड़ी का, जोर से बोलो। बंदूक किसकी थी? बंदूक की, हाँ तो बंदूक लिया ना, कर लिया मंच पे, अपन चलानी तो सीख गए, जो नहीं बोले दे फायर, जो होगा फिर देखा जाए। तो कल बंदूक आवे इससे बढ़िया कि तुम बोल दो, फिर अपने को पहले ही कम चलानी आवे, इधर की उधर भी चल सकती। मेरी मम्मी कह रही थी कि बेटा तू बंदूक चला रहे मारे कालजा में कड़ा कहीं वे गयो, कड़ा कड़े मारे यार। मम्मी नहीं मारो, वो जहां में गया वो भी हमारे लिए बहुत लाड़ के, मारने के थोड़ी। एक बार प्रेम से दोनों हाथ उठा के क्या बोलेंगे, अब नवे नवे पंडित जी बने, अब नए नए पंडित जी बने, बोले कथा करनी जानी। अब पहली बार कथा का फोन आया, अब पहली बार फोन आया तो जो दो थैलियां थी घर पे, एक तो सतनारायण भगवान की पुस्तक रखी हुई थी और एक बच्चों की किताबें थी,
अब गलती ये हुई कि जो सतनारायण भगवान की किताब थी वो जोड़ना तो नहीं लिया, ने जो स्कूल के बच्चों का था वो लेकर के चले। अब कथा शुरू हुई। अब कथा कैसी होगी आप सबको मालूम। आज कथा शुरू हुई। जब कथा शुरू हुई कहा, प्रिय भक्तों, बड़े हर्ष की बात है, एक समय की बात, तीर्थ नेमिशारण्य वन के अंदर 88,000 ऋषि विराजमान, सूत जी महाराज आए। प्रश्न पूछा कि कलिकाल में ऐसी कोई कथा हो जो सुनाओ जो अल्प समय में बड़ा पुण्य प्राप्त करवाए। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, तितली रानी सबके मन को भाती है, रंग बिरंगे पंख तुम्हारे हाथ किसी के ना आते। इतनी से स्कंद पुराण देवाकंडे प्रथमो अध्याय, बोलिए सतनारायण भगवान की जय। अद्वितीय अध्याय। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, एक समय की बात है कि श्री नारद जी महाराज से उनकी मैया कहती है, उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई मुंह धो लो, और बड़े सवेरे मुर्गा बोला कूकड़कू कूकड़कू। एक बासाब खड़े हो गए, बोले ये कोई कथा बता थोड़ी हो रही है, कथा में मुर्गा आता है क्या? कथा मुर्गा थोड़ी आता है। वहीं कुछ और दो लोग बैठे थे, कहने लगे धर्म के काम में रोड़ा नहीं अटकाना। बोले नहीं अटकाना, बैठ जाओ। बैठ गए। दूसरा अध्याय पूरा हुआ। इति श्री स्कंद पुराण देवा खंडे तृतीय अध्याय पूरा। जैसे तैसे करके चौथा अध्याय आया। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, एक समय की बात, अल्मोड़ा नाम के पर्वत पर एक अब्बू मियाँ नाम के मियाँ रहते थे, जिनकी एक बकरी थी, नाम था चांदनी। फिर बासाब खड़े हो गए, कहने लगे यार और सब आ जा, ये अब्बू मियाँ का क्या काम अपने कथा में, अब्बू मियाँ का क्या काम। लोग कहने लगे धर्म के काम में रोड़ा नहीं अटकाना, बैठ जाओ। बैठ गए। बैठो दादा, मन मारो। जैसे तैसे करके चारों अध्याय पूरे हुए। पांचवा अध्याय शुरू हुआ। अब सारी किताबें निकल गई, आखिरी में आई अंग्रेजी की किताब। अत पंचमो अध्याय, महात्मा गांधी इज ए ग्रेट सन ऑफ द इंडिया। इति श्री स्कंद प्राण देवा खंडे पंचमो अध्याय। कथा पूरी हुई, आरती हुई, प्रसाद बटी। शाम को हुआ गांव में पचोला। क्या हुआ? जोर से बोलो, क्या हुआ? पचोला। पचोले में पंडित जी को बुलाया, बोला पंडित जी ये कौन सी कथा? कथा में बकरी, कथा में अब्बू नाम के मियाँ, कथा में मुर्गा, बोले ये कौन सी कथा है? पंडित जी बड़े ऊंचे लेवल के थे, नए नए पंडित जी बने थे। उन्होंने कहा देखो जजमान, आपको विनम्रता से एक बात बताऊं, तुम्हारा बच्चा स्कूल जाता कि नहीं जाता? तुम्हारे सबके बच्चे स्कूल जाते कि नहीं जाते? हाँ के ना जाते? तो स्कूल में किताबें हर साल एक जैसी रहती है कि बदलती रहती? बदलती रहती। तो कब तक लीलावती कलावती बांचेंगे? कब तक सेठ जी बांचेंगे? कब तक राजा बांचेंगे? बोले जैसे कथा स्कूल में सिलेबस चेंज होता है, वैसे कथा का सिलेबस भी चेंज हो गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान। तो परिवर्तन संसार का नियम है। कबीरा इस संसार में भांति भांति के लोग, दुनिया में कई तरह के लोग हैं और कई तरह का आनंद है। जीवन में कितनी संपत्ति है, कितना धन है, ये कोई बड़ी बात नहीं। जीवन में आप कितने मजे में हो, ये बड़ी बात। तो आइए आज की कथा को यहीं पूर्ण करें। उससे पहले यहाँ कौन कौन ऐसे हैं जो वैष्णो देवी गए? जो जो गए पूरा हाथ ऊपर करो, जो वैष्णो देवी गए। वाह वाह। जो जो तीत्रोद गए वो हाथ ऊपर करो, तीत्रोद वाले। वाह वाह। जो जो कुएं पे जाते हैं वो हाथ ऊपर करो। वारे गरीबों, मतलब कुएं पे भी नहीं गए? हाँ, जो जो गए वैष्णो देवी उनके लिए ताली बजाई। माँ वैष्णो देवी से भी ऊपर कौन बैठे? बेरू महाराज। बेरू कौन था? बोले राक्षस। पर माँ ने इतनी बड़ी कृपा करी कि हे भैरव, मेरे दर्शन करे और तेरे दर्शन जो नहीं करे तो वैष्णो देवी जाने का पुण्य भी नहीं मिले। कितनी दयालु है माँ। ऐसी माँ की भक्ति को छोड़कर अगर अन्य की शरण में जाओगे तो कोई आनंद नहीं है। तो आइए, जो माँ भैरव के दर्शन की कहती है, ऐसे भैरू महाराज को मना लेते हैं। बोलिए भैरू जी महाराज की। अरे भैरू जी भटका करे, अरे दिन में सो सो बार, अरे बांका ने सीधा करे, हे मारा भैरू राज कबार। अरे भैरू जी के चौक में
अरे लीमड़ी की छाया हो, अरे छोरो मांगियो छोरी दीदी ए मारा बेरोजी थारी माया। और आनंद के साथ नाचते हुए गाते हुए जब तक तुम आनंद लोगे भजन होगा और तुरंत आरती होगी। अरे बेरोजी ना 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 ना, अरे बेरोजी ना ना, हमारे वामन भगवान को भी नचाना है पर तुम नाचोगे तो ये नाचे नहीं तो अपने को कोई गरज नहीं। वामन भगवान प्रभु ये नाचे तो नाच ही लीजिए, ये जो नहीं नाचे तो अपने एंड पड़ो है नहीं। अगर ये सब नाचे ये पार्टी नहीं, ये तो नाचेगी नाचेगी पर इधर वाले क्योंकि इनको शर्म आती। हाँ फिर भैरू महाराज को मैसेज करना, बोली भैरू महाराज की जय हो। अरे भैरू जी ना 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 तारे बाजे घोंगेरा सभी सन्निवेदन अपने अपने हाथ जोड़ो और मेरे साथ आप सब बोलो। कोई भी ऐसा ना हो जो बाकी रहे, बड़ा ही श्रेष्ठ काम है भगवान का नाम। मैं अकेला लूंगा तो एक नाम है पर अपन जितने भी बैठे हैं 10-20-15 जने जितने भी हैं, 15 हो या 1500 या 500 तो बड़े भाव के साथ आप सब बोलेंगे। तो जितने हम बैठे हैं उतने ही नाम हमारे खाते में जमा होंगे। जैसे भारत सरकार ने हमारे उंगलियों से आधार को लिंक कर रखा है वैसे उस बड़ी सरकार ने भी कर रखा है। तो अपने अपने हाथ जोड़ो और बड़े भाव के साथ बोलो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सबकी आवाज जोर से आना चाहिए, धीरे नहीं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 अद कथाय पुण्यम स कृष्ण अर्पणमस्तु। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हमारे आरती करने वाले यजमान पधारे। और कल कृष्ण जन्मोत्सव है, आप सभी से निवेदन है बढ़ चढ़ करके भाग लें। हो सके तो पीले कपड़े पहन करके आवे, नहीं हो तो सफेद पहन कर आवे।
कैसे भी बेन कर आवे पर आवे, हाँ खुद भी आवे, अपने संग में अपने पड़ोसी को जरूर लावे, क्योंकि जितना कथा सुनने का पुण्य है उतना ही कथा सुनाने का भी पुण्य है। तो निवेदन, आप अपने पड़ोसी को भी लेकर के जरूर आवे और आनंद के साथ, कथा का समय परिवर्तन है, 11 बजे ही कथा पंडाल में पधार जावे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। सभी से निवेदन है कि आरती होने जा रही है, सभी अपने यथा स्थान पर खड़े हो जाएं। अरे ज्वाला सी जलती है आंखों में तेरी और दिल में तेरा नाम है, बोल के जाओ नर गणपति महाराज की जय हो। हे गणेश, हे अरे श्याम सुंदर तेरी आरती गा, श्याम सुंदर तेरी आरती गा, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, श्री माँ के बिहारी तोरी आरती गाऊं, श्री माँ के जाना मेरा आरती हो रही है,
तुलसी के बिरवा पावा तोरे आंगणे तुलसी के बिरवा पावा तोरे आंगणे तुलसी के बिरवा पावा तोरे आंगणे तुलसी के बिरवा पावा तोरे आंगणे